वेलकम बच्चों मैं प्रवीण अरोड़ा टीम सी से बात आज करेंगे अपन डीटीएस में तेईस नंबर जो आपने आ, टेस्ट सीरीज का पेपर दिया जिसमें आपके टॉपिक थे बायोमोलिक्यूल पॉलीमर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और टेबल नो डाउट आपका पेपर अच्छा हुआ होगा बहुत ऐसा उम्मीद करता हूं मैं नॉर्मल टॉपिक है लेकिन आज के पेपर में आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है बच्चों एग्जाम का वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस इनका है सवाल आते हैं ईजी है पर आपको उनको रीड आउट अच्छे से करना होगा चीजें अच्छे से सीखनी होंगी अच्छा हुआ होगा फिर भी कोई कमी रही है तो सॉल्यूशन में आप उसे अपडेट करिए बच्चों देखिए क्या है बायो सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पोलियामाइड कंडेंसेशन पॉलीमर देखो एक ही क्वेश्चन में उसने कई सारे शब्द जो है कई सारे वर्ड जो है वो आपको दे दिए हैं जो पोलिमर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं जैव निम्निकृत पोलियमाइड संगनन बहुलक। देखो बेटा जी अगर मैं पहले वर्ड की बात करूं बायोडिग्रेडेबल ये आज के पोलीमर फैमिली में एक नई डिमांड है क्योंकि जब हम नेचुरल पॉलीमर की बात करते हैं भगवान के बनाए हुए पॉलीमर की डीएनए, आरएनए की हमारी बॉडी में जो पॉलीमर मिलते हैं उनकी बात करते हैं तो उनमें खास बात है कि अगर वो कहीं भी यूज करके डाल दिया जाए फॉर एग्जाम्पल प्लांट का कोई डेड पार्ट है कोई डेड बॉडी है वो जब नेचर में रहती है तो उसे डीकम्पोज करने का काम नेचर के माइक्रोम करते हैं सूक्ष्म जीव करते हैं इस इसको कहते हैं बायोडिजेनरेसी जैव निम्नीकरण कहा जाता है ठीक है तो उस कैटेगरी में नेचुरल तो सारे आते हैं जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है आपको वैसा कोई नाम नहीं दिया हुआ लेकिन जो नाम यहाँ दे रखे हैं उनमें बच्चों दो बड़े फेमस नाम हैं जो आपके एनसीआर में जो पोलिमर चैप्टर है उसमें बायोडिग्रेडेबल में ये दो दिए हुए बैकेलाइट उस कैटेगरी का नहीं है हाँ बैकेलाइट ऑप्शन यहाँ पे इसलिए बन रहा है क्योंकि आगे उसने कंडेंसेशन और लिया कंडेंसेशन या संगणन का मतलब क्या है जहां बहुलक बनते समय पॉलीमर बनते समय वाटर लूज होता हो वो कंडेंसेशन पॉलीमर है अगर आप उस वर्ड पे गौर कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पे नहीं कर रहे तब आपको ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी लगेगा पर ना लगाइए क्योंकि वो बैकेलाइट नहीं है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और बैकेलाइट नहीं है तो फिर ऑल ऑफ दीज भी नहीं तो बात तो सिर्फ इन दो पे अटकी हुई है तो इन दो में अपन कहें तो उसने आपको एक वर्ड और दिया है पोलीअमाइड्स पोलियामाइड वर्ड पे गौर करोगे तो कंडेंसेशन में आपके पास बच्चों तीन वेराइटी है कंडेंसेशन में आपको पोलियमाइड पोलीएस्टर और एक रेजिन फिनॉल फॉर्मेलिटी रेजिन यूरिया फॉर्मेलिटी रेजिन इस तरह के पोलीमर आपको दे रखे तो वहां पर अगर मैं पोलियामाइड की बात करूं तो बेटा फिर मैं नायलॉन फैमिली पे जाना चाहूंगा नाइलॉन टू सिक्स इसका आंसर देना चाहूंगा रीजन उसका क्योंकि नाइलॉन टू सिक्स के बनने में इस तरह का एक मोनोमर पार्टिसिपेट करेगा ग्लाइसिन जाना पहचाना एमिनो एसिड है तो ये ये वाला मोनोमर आपको लेना है दूसरा मोनोमर आपको लेना है बेटा यहां पे इस तरह का जिसको अपन कह सकते हैं एमिनो एसिड ये लोगे आप अब इन दोनों के बीच पोलिमराइजेशन कैसे होगा ये एसिड और ये एमिनो इंटरेक्शन करेंगे इस तरह से एक वाटर लूज करेंगे ये वाटर लूज होना ही तो कंडेंसेशन है बच्चों। लेकिन ये कंडेंसेशन तो बाकियों में भी था लेकिन यहां पे जब आपने ऐसा किया तो यहां इस तरह का एक लिंक जो है वो इस पोलिमर में रिपीट होगा यहां हो गया फिर आगे हो जाएगा पीछे होगा एन बार होगा तो एन बार होगा तो वो कैसा होगा

अगले सवाल में विच इज मोनोमर ऑफ अब बच्चों हम आ गए हैं चैप्टर में क्योंकि तो से आया देखो दोनों चैप्टर में कंपेरिटिव बात बता दूं, अभी अभी मैंने आपको कन्वशन के अंदर पोलीएमाइड पॉलीमर बनना बताया इस तरह का लिंक उनमें बार बार आता है इसको पोलीएमाइड कहते हैं अगर ऐसा रिपीटिंग यूनिट बार बार आता है लेकिन याद रहे यही सेम कंडीशन तब भी होती है जब हमारी बॉडी में एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एसोसिएट होकर पोली प्रोटीन बना रहे होते प्रोटीन जो है वही तो पोलीपेप्टाइड तो प्रोटीन बनाने के लिए आपको मोनोमर बताना है आपको उसका एकलक बताना है तो प्रोपीन ब्यूटाडाइन एडिपिक और एमिनो एसिड तो बच्चों ये है एमिनो एसिड काफी सरल क्वेश्चन है एमिनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन का मोनोमर होता है और प्रोटीन में जो लिंक होता है वो यही होता है पर यहां अपन उसको नाम देते हैं पेप्टाइड लिंक इसलिए प्रोटीन को कह देते हैं पोली ठीक है बच्चों चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद नेचुरल रबड़ इज विच टाइप ऑफ पोलीमर नेचुरल रबड़ किस टाइप का पॉलीमर है टाइप बताना है आपको और यहाँ टाइप के अंदर आपको उन्होंने ऑप्शन दिए हैं कंडसेशन एडिशन कोऑर्डिनेशन नन ऑफ दिस देखो बच्चों ये दो वेराइटी अब अप, अपन मेन मान के चलते हैं जब पॉलीमर की बात करते हैं कंडनशेशन वो है जहां मोनोमर मोनोमर से एसोसिएट होते हुए वाटर लूज करे या अदर स्मॉल मॉलिक्यूल लूज करे बट एडिशन मोलिमर वो है या योग बहुलक वो है जहां मोनोमर मोनोमर से अटैच होगा बट लूज कुछ भी नहीं होगा तो बात उन्होंने नेचुरल ने रबड़ की, की है तो नेचुरल रबड़ के लिए मेरे पास कुछ इस तरह की यूनिट होती है या ये कहूं ये नेचुरली नेचुरली बनता है रबड़ तो नेचर में जब वो रबड़ बनता है तो इस मोनोमर से बनता है ये मोनोमर अपने इसी जैसे मोनोमर के साथ जब इंटरेक्शन करता है तो इंटरेक्शन का अंदारा, अंदाज क्या होता है ये बॉन्ड यू शिफ्ट होते हैं ये बॉन्ड यू शिफ्ट होते हैं ये नेगेटिव पोल इस पॉजिटिव पोल पे अटैक करता है ये आगे अटैक करता है ये पीछे से अटैक है बट आप देख रहे हैं इसमें कुछ वाटर लाइक लूज नहीं हो रहा वाटर जैसा कुछ भी लूज नहीं हो रहा इसलिए अपन इसको किस में रखें एडिशन पॉलीमर में रख दें बच्चों योग बहुलक में अपन इसे रख दें ठीक है चलो इससे पहले आपने जस्ट दो सवाल जो किए हैं वो दोनों के दोनों कौन से थे कंडेंसेशन क्योंकि उनमें मोनोमर जब अटैच होते हैं तो वाटर लूज कर रहे थे बच्चों चलिए फिर देखिए इसके बाद अगला सवाल अगले में कहता है ये अपन को ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर देखो जैव निम्निकृत बायोडिग्रेडेबल पे एक सवाल फिर आया लेकिन अब की बार ऑप्शन अलग तरह के हैं पिछली बार कई सारी बातें थी सेलुलोज पोलिथिन पोलिविनाइल क्लोराइड नायलॉन देखो बच्चों पोलीथिन हुआ पोलीविनाइल क्लोराइड हुआ या नाइलोनसिक्स हुआ ये सब सिंथेटिक हैं सब लैब में बनते हैं पर आपको मालूम है सेलुलोज जो है वो क्या होती है प्लांट uh, की सेल वाल का मेन कंपोनेंट तो प्लांट की सेल सेलवाल हम थोड़ी बना बना के सेट करते हैं हमारी लैब में से बना बना के प्लांट को थोड़ी देते हैं सेल सेलवाल तो ये तो नेचुरली बनती है भैया तो नेचुरली बनती है तो वो नेचुरल जो पॉलीमर है वो बायोडिग्रेडेबल इन जनरल होते ही हैं जैसे डीएनए आरएनए प्रोटीन ये सब तो वो उनकी डिजेनरेसी भी अपने आप होती है कोई प्लांट पार्ट अगर खराब हो जाता है कट हो जाता है उसे फेंक दिया जाता है तो धीरे धीरे वो अपने आप डीकम्पोज होता हुआ अपने एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन में टूट जाता है ये उसकी बायोडिजेनरेसी है और ये भगवान के बनाए गॉड के बनाए पोलीमर की खास बात है हम चाहे कितना ही अपडेट हो जाए कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी के आगे हमें लगता है हमारी टेक्नोलॉजी उतनी शानदार नहीं है हमारे पास इतने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है हमारे पॉलीमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अच्छा बन रहे हैं पर पॉल्यूशन भी बहुत पैदा कर रहे हैं तो आजकल ये लेटेस्ट ट्रेंड बायोडिजनरेसी का आया हुआ है तो वहां बायोडिग्रेडेबल कहे तो सेलुलोज नेचुरल में तो आप आराम से टिक कर सकते हो बच्चों चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद अब देखो विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर देखो बच्चों फिर एक नाम आता है एक चैन ग्रोथ एक स्टेप ग्रोथ देखो सवालों में सब कुछ घुमा दिया एडिशन कंडेंसेशन पूछ लिया बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछ लिया तो अब सवाल आ जाता है स्टेप ग्रोथ और एक चैन ग्रोथ तो जो आपके कंडेंसेशन पॉलीमर हैं बच्चों उनको स्टेप ग्रोथ कहते हैं और जो आपके एडिशन पॉलीमर हैं योग बहुलक हैं उनको अपन क्या कहते हैं चैन ग्रोथ कहते हैं तो बेटा पोलीआइसोप्रीन बनना पोलीथीन बनना पोलिय्रिलो नाइट्राइल बनना जैसे अपन पोली आइसोप्रिन कहें तो पोली प्रिन का मतलब होता है नेचुरल रबड़ वाला पॉलीमराइजेशन तो ये तो बच्चों एडिशन टाइप का होता है और एडिशन टाइप का होता है तो फिर वो चैन ग्रोथ कहते हैं उसकी चैन में ग्रोथ होती रहे एक के बाद एक यूनिट चैन ग्रोथ कहेंगे उसे पोलीथिन बनाना तो उसमें भी बच्चों आप एडिशन पोलिमराइजेशन कराओगे पोली एक्रिलो नाइट्राइल बनाना तो ये बच्चों पोलियक्रिलो नाइट्रेल बनाने का मोनोमर है इसमें भी ये पाई बॉन्ड यूज होगा यहां भी पाई यहां भी पाई पाई से सिग्मा बनना और एडिशन कर जाना ये तो होता है चैन ग्रोथ तो बच गया बच्चों नायलॉन नायलॉन के अंदर आपको मालूम है कंडेंसेशन चलेगा और कंडेंसेशन को ही अपन किस में रखते हैं स्टेप ग्रोथ में रखते हैं बच्चों पद वृद्धि बहुलक भी कह देते हैं अपन उसको ठीक है चलिए और देखिए इसके बाद फिर सवाल नंबर छ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर तो बच्चों अब आप वो आपसे एक फिर अब एक क्लासिफिकेशन आ गया नेचुरल सिंथेटिक सेमिसंथेटिक तीन टाइप के पॉलीमर दुनिया में है नेचुरल वो जो नेचर बनाए तो नेचुरल uh, रबड़ बाकी डी एन ए आर एन ए प्रोटीन ये सब और uh, सिंथेटिक कौन से जो हम बनाते हैं पीवीसी बनाते हैं पॉलीथीन बनाते हैं और सेमी सिंथेटिक कौन से बने तो नेचर में हो लेकिन हम उसे थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें रबर रबड़ जो है वो नेचुरली बनता है पर हम उसका वल्केनाइजेशन कराते हैं तो वो सेमी सिंथेटिक हो जाता है तो अभी फिलहाल उसने हमसे क्या पूछा नेचुरल का एग्जाम्पल पूछा है तो सेलुलोज बेटा जी नेचुरल ही होता है सेलुलोज नेचुरल है और डीएनए नेचुरल है स्टार्च नेचुरल है तो सारी नेचुरल दे रखे हैं भैया और यहाँ पे नायलॉन अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल मतलब सबको देख के लगा था ऑल ऑफ दीज आंसर लेकिन नहीं वहां पे सवाल में बच्चों एक खास बात है नोट दिया हुआ है नहीं है तो नहीं है तो बच्चों सेलुलोज डीएनए स्टार्च ये सारे नेचुरल में आ गए तो बच्चों फिर नाइलो ना बना फाइनल आंसर बनेगा ये तो इसमें आंसर में नहीं आएंगे ये पोर्शन नाइलो आएगा बच्चों क्योंकि वो कैसा है सिंथेटिक है चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों इसके बाद सेवन नंबर द एलकाइड रेजिन आर कंडेशन पोलिमर जो एल्काइड रेजिन है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है ऑप्टेन फ्रॉम डाई बेसिक एसिड एंड देखो बच्चों बात अगर मैं एल्काइड रेजिन की करूं तो एल्काइड रेजिन को बनाने के लिए आप एक मोनोमर लेते हैं ये वाला जिसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल दूजा आप यहां पे लेते हैं ये बेंजीन के ऊपर आप लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लोकेशन पे थैलिक एसिड अपन इसको कहेंगे तो यहां पे ये एच और ये ओ एच रिमूव होता है क्योंकि ये कंडेंसेशन पैटर्न फॉलो करता है और यहाँ जो बॉन्डिंग रिपीट होगी वो इस तरह की होगी तो इसको अपन पोली एस्टर फैमिली में भी रखेंगे क्योंकि कंडेंसेशन में पोलीअमाइड भी होते हैं पोली एस्टर भी होते हैं तो ये है बच्चों आपका एल्काइड रेजिन का पैटर्न रिएक्शन का तो यहाँ उसने आपको बता दिया था कि इसको ऑप्टेन करने के लिए बेसिक एसिड लेते हैं तो बेसिक एसिड तो ये उसके साथ आप क्या लेते हो फिन लेते हो बिल्कुल नहीं लेते ग्लिसरॉल लेते हो बिल्कुल नहीं लेते फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं गलाइकोल ये इसका नाम एथिलीन ग्लाइकोल है ग्लाइकोल कह दो एथिलीन ग्लाइकोल कह दो बिल्कुल इसे लेना पड़ेगा और इसका बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि ये पेंट और वार्निश बनाने में तो देखो पॉलीमर में यूज के भी क्वेश्चन है आगे आ जाएंगे अभी यूज के पेंट वार्निश बनाने में काम आता है बच्चों ठीक है और अगर यहीं पे आप ये कार्बोक्सी पैरा लोकेशन पे ले लें मतलब एसिड बना लें तो टेरिलीन भी बनता है ठीक चलो और देखिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई द दिन फॉर्मेलहाइड रेजिन आर फॉर्मड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेलिडीहाइड बाई देखो फिनॉल फॉर्मेलिडीहाइड रेजिन जो बनता है वो फिनॉल फॉर्मेलिटी रेजिन बनने के लिए कौन सा पॉलीमराइजेशन यूज होता है एडिशन होता है कि कंडेंसेशन होता है कि दोनों होते हैं बिल्कुल बच्चों कंडेंसेशन होता है यहाँ का प्रोसेस क्या रहता है ये बच्चों अपने पास होता है फिनॉल इसको हम फॉर्मेल से जब रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में तो जो हमारा मोलिक्यूल है उस मोलिक्यूल के अंदर यहाँ पे सी एच टू ओ एच की एंट्री होती है यहाँ सी एच टू ओ एच की एंट्री होती है यहाँ सी एच टू ओ एच की एंट्री होती है ऐसी तो ये रिएक्शन है एग्जाम में इसका क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये रिएक्शन कैसी है ये ये फिनॉल फॉर्मेलिटी रेजिन को बेकेलाइट भी कहते हैं तो ये बेकेलाइट बनना या फिनॉल फॉर्मेल्टी रेजिन बनने की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक्सिट्यूशन है आप बेंजीन विंग पे अटैक करा रहे हैं इसका अब आगे का पोलिमराइजेशन कैसा है बेटा ये मॉलिक्यूल ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो एच ओ एच वाटर निकालेगा इधर से करेगा तो यहां पे भी अपन कहें तो इसका मान लो यहां पे उसने दिया यहां से ये दे दिया उसने एच तो सामने वाला एच दे देगा तो एक चैन बनेगी स्ट्रेट चैन जब तक बनेगी उसे कहेंगे नोवेल एक्ट फिर वो करेगी क्रॉस लिंकिंग मतलब यहां से भी फिर वो अटैच होगा लेकिन ओवरऑल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आप चाहते थे कि ये क्या है आप अगर वाटर मोलिक्यूल लूज कर रहे हैं तो वो कंडेंसेशन है बच्चों तो अपन को उसे कंडेंसेशन कहना है हिंदी में हम उसे संगनन बहुलक कह देंगे चलो और देखें बच्चों बहुत अच्छा सवाल है नेक्स्ट टेफलॉन इज ए पोलिमर ऑफ द मोनोमर और टेफलॉन इज ऑप्टेन बाई द पोलिमराइजेशन ऑफ बच्चों टेफलॉन का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ जाता है टेफलॉन जो है किस एकलक से बना है किसका टेफलॉन किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है तो बच्चों टेफलॉन बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह की यूनिट चाहिए होती है ऐसी यूनिट इस मोलिक्यूल को कहते हैं चार फ्लोरो है तो टेट्राफ्लोरो एथीन या एथिलीन तो देखो बच्चों मोनोफ्लोरोएथिलीन डाईफ्लोरोएथिलीन ट्राईफ्लोरो टेट्राफ्लोरो तो बिल्कुल चार फ्लोरो की आपको रिक्वायरमेंट होगी जिसमें जब पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या होगा ये पाई बॉन्ड जो बीच वाला है ये तो हट जाएगा और हटने के बाद एन एन यूनिट अटैच होकर के इस तरह से एक पॉलीमर बनाएंगी और बिल्कुल वो कौन सा पॉलीमर होगा एडिशन और एडिशन पॉलीमर में ये जो पॉलीमर बनेगा इसका यूज क्या होगा बेटा जी इसका यूज होगा नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में उन लोगों के लिए यूटेंसिल बनना जिसमें खाना जलता नहीं है हीट रेसिस्ट करता है जल्दी से खाना जलेगा नहीं एक्चुअल में नॉर्मल बर्तन के अंदर टेफलॉन की कोटिंग कर दी जाती है यूटेंसिल लेकर के उसमें टेफलॉन की कोटिंग करते हैं तो ये वो टेफलॉन है बच्चों तो काफ़ी चलता है चलिए अब आइए टेफ्लॉन की बात हुई द कैटलिस्ट यूज फॉर द पोलिमराइजेशन ऑफ ओलिफिन ओलिफिन कहते हैं बच्चों एल्किन को एल्कीन के पोलिमराइजेशन प्रोसेस के लिए आप एक कैटलिस्ट लेना चाहते हो तो क्या लोगे क्या जिगलर नाटा लोगे निकल लोगे पेलेडियम लोगे देखो बच्चों, जो एल्कीन या ओलिफिन है इसका रिलेशन इन सारों से है लेकिन इन दोनों से जो निकल या पेलेडियम के साथ है वो रिडक्शन का रिलेशन है अगर आप पोलिफिन को रिडक्शन करके पैराफिन बनाना चाहते हैं एल्केन बनाना चाहते हैं तो फिर आपको निकल या पीडी की रिक्वायरमेंट होगी लेकिन जो ये जो ये आपकी एथीन है इस एथीन को पोलीथिन बनाने के लिए एक साइंटिस्ट हुए उन्होंने एक स्पेशल कैटलिस्ट तैयार किया नाटा उन्हीं के नाम से उसको जाना जाता है क्या होता है नाटा ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम टाइटेनियम क्लोराइड ये एक है, जिसको लेकर के पोलिथिन का फॉर्मेशन जो है वाइड लेवल पे किया जाता है। बस ये वो जिगलर नाटा की बात पूछ रहा है नाटा क्या है? इस शब्द को पूछना चाहता था वो ठीक है कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होगा कैप्रोलेक्टम तो पहले तो आप ये जानो भाई कैप्रोलेक्टम होता क्या है अगर मैं कहूं तो ये होता है आपका कैप्रोलेक्टम कैप्रोलेक्टम कहूं तो सेवन ये एक एमाइड है इस कैप्रोलेक्टम का अपन क्या करते हैं पहले तो करते हैं हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस में ये यहां से कट हो जाता है ओ OH एच और एच तो यहां पे अपन कहें तो सी ओ ओ एच एक ग्रुप इधर आ जाएगा और फिर उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव और एक सिक्स ये वाला सीओ एच वाला कार्बन हो गया तो फाइव रहेंगे सी एच टू और फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चों एन एच टू ऐसा बनता है एमिनो कैप्रोइक कैप्रोलैक्टम से एमिनो कैप्रोइक और एमिनो कैप्रोइक फिर आपस में कंडेंसेशन करेगा ओ एच OH, इधर से लेगा एच ये देगा एच आगे वाली यूनिट देगी ओ OH, एच तो ओवरऑल इस तरह वो अटैच होता हुआ क्या बनाएगा नायलॉन सिक्स बनाएगा पर्लॉन बनाएगा टायर में जो थ्रेड डलते हैं वो इसके डलते हैं बच्चों तो यहां पे अपन कहें कैप्रोलेक्टम के, के कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन से आप क्या बनाते हो नायलॉन सिक्स बनाते हो सिक्सटी सिक्स टेन या सिक्स सिक्स तो नायलॉन सिक्स इन जनरल बच्चों ऐसा कहा जाता है जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर हैं वो सारे के सारे कोपॉलीमर होते हैं उनमें एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर होते हैं लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में अगर आपको होमोपोलीमर बनाना हो जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर है तो वो ये एग्जाम्पल काफी अच्छा एग्जाम्पल है नाइलॉन सिक्स का क्योंकि वो एक ही टाइप का मोनोमर होता है कैप्रोलेक्टम ठीक है लैक्टम कहते हैं साइक्लिक अमाइड को कैप्रो कहते हैं सिक्स कार्बन को इसमें सिक्स कार्बन है अमाइड है तो कैप्रोलेक्टम ठीक है चलो फिर देखें इसके बाद नियोप्रिन नियोप्रिन ए सिंथेटिक रबर कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिसाइड सीएनएच देखो बच्चों नियोप्रिन एक रबर है रबर की वैरायटी है उस रबर की वैरायटी का जो मोनोमर uh, mon, uh, है कंटेन विच ऑफ द एलिमेंट बिसाइड द सीएनएच मतलब उस नियोप्रिन में कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के रिमेनिंग कौन सा एलिमेंट और हो सकता है तो देखो बच्चों नियोप्रिन बनाने के लिए आपको जो मोनोमर चाहिए वो चाहिए ऐसा इसका नाम होता है क्लोरोप्रिन क्लोरोप्रिन का जब पॉलीमराइजेशन करोगे तो वो नियोप्रिन बनेगा तो भैया यहाँ पे कार्बन है वैलेंसी पूरी करोगे तो हाइड्रोजन है वो तो उसने खुद बता दिया तो आपसे पूछा है और क्या होगा तो और सी होगा एन होगा ओ होगा सीएल और एफ तो आप टिक कर दीजिएगा सीएल पे चलो कर दिया होगा वो तो पर चलो सॉल्यूशन सुनते रहिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रॉस लिंक क्रॉस लिंक तो यहाँ क्रॉस लिंक निम्न में से होते हैं ये भी एक जब आप पॉलीमर पढ़ते हैं देखो मैंने यहाँ पे लगभग वो सारे शब्द लेने की कोशिश की है जो आपके पॉलीमर चैप्टर में है बायोमोलिक्यूल में है ताकि उनके बारे में आपका नॉलेज अपडेट हो नेचुरल सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक क्या है पोलियोमाइड पोलियस्टर क्या है बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है स्टेप ग्रोथ क्या है चैन ग्रोथ क्या है एक शब्द मैंने ले लिया एक मैं यहाँ बता रहा हूँ चलो अब अपन एक शब्द फिर और लेते हैं क्रॉस लिंक्ड तो पॉलीमर uh, के अंदर एक ऐसी वैरायटी रहती है जिसमें क्या होता है चैन बनी चैन बनी उन दोनों चैन के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है तो वो क्रॉस लिंक पॉलीमर का एग्जांपल वो आपसे पूछना चाहता है वलकेनाइज रबड़ उसका एग्जांपल है उसका एग्जाम्पल है या बेकेलाइट उसका फॉर्मेलिटी है बिल्कुल बेकेलाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा बेकेलाइट जो होता है जिससे आप लाइट के स्विच फ्यूज बनाते हैं मैग्नेटिक टेप बनती है या कॉम बनाने के लिए जिसको काम में लिया जाता है वो एक ऐसा ही मटेरियल है अभी मैंने आपको रिएक्शन भी बताई थी क्योंकि जब तक वो क्रॉस लिंकिंग नहीं करता तो वो नोवेलैक होता है एक अच्छा सवाल बेकेलाइट या फिनॉल फॉर्मल रेजिन की पहले की फेज जब तक वो कंप्लीट क्रॉस लिंकिंग नहीं करता उसे क्या कहते हैं नोवेल कहते हैं फिर वो जब क्रॉस लिंक बनाता है एक चेन के साथ दूसरी चेन का एक इंट्रेक्शन करता है तो वो होता है आपका फिनॉल फॉर्मल डिहाइड्रेजिन जो क्रॉस लिंकिंग से बना हुआ एक पॉलीमर है बिल्कुल वैसे वल्केनाइज रबड़ भी इसमें आता है रीजन क्योंकि रबड़ जो होता है उसकी इलेक्स्ट्रिसिटी कम होती तो हम उसे अपनी लैब में लाके सल्फर के साथ हीट करते हैं तो चैन के अंदर बीच में सल्फर लिंक कनेक्ट होते हैं एक चैन चल रही है एक चैन चल रही है बीच में सल्फर का कनेक्शन आता है, ये होती है तो बच्चों ऐसा वहां भी है तो पहले में भी है तीसरे में भी है इसलिए आपको आंसर फोर्थ देना चाहिए क्योंकि दोनों को कवर कर लेगा फोर्थ आंसर दीजिए बच्चों इसमें ठीक है ये ये दोनों ऑप्शन है तो दोनों को मिला के आपको फोर्थ देना चाहिए चलिए और देखिए इसके बाद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप ये लो बच्चो यूज का क्वेश्चन भी आ गया टेफलॉन नॉन स्टिक कोकवेर में यूज होता है वैसे मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप जो है आ, कौन सा बोल मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप बनाने में काम आता है अभी अभी मैंने बोला था आपको बच्चों कौन सा बेकेलाइट फिनॉल फॉर्मेलिटी है ड्रेजिन जिसे कहते हैं ये रहा बेकेलाइट ये आंसर है बच्चू बाकी यूज भी अलग है जैसे गलाई पटेल एलकाई ड्रेजिन बताया ना आपको पेंट और वार्निश बनाने में काम आता है डेक्रॉन अगर अपन कहें तो टेरिलीन डेक्रॉन ये जो है क्लॉथ इंडस्ट्री जो कपड़े बनते हैं वो इसे टेरिलिन टाइप की और एक तो एक या या अमाइड जो है वो कॉस्मेटिक मटेरियल में भी काम आता है तो सबके अपने अपने यूज हैं लेकिन फिलहाल आपसे जो पूछा गया है वो किसका वो यूज पूछा गया बेकेलाइट का ठीक है बच्चों चलिए और देखिए इसके बाद 14 के बाद देखो पीवीसी इज यूज फॉर पीवीसी किसके लिए यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक बनाने के लिए टायर बनाने के लिए या फिर नॉन स्टिक पेंस यानी नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए या प्लास्टिक पाइप तो बच्चों पी तो काफी फेमस है आजकल घरों में जो अंडरग्राउंड फिटिंग होती है लाइट की फिटिंग हो वाटर की फिटिंग हो काफी पाइप्स का यूज होता है वो सारी पाइप क्या होती है पीवीसी पाइप होती है बच्चों तो प्लास्टिक पाइप बनाने में पीवीसी का यूज है नॉन स्टिक में नाम हम पहले ले चुके हैं टेफलॉन का और टायर बनाने में बच्चों नायलॉन सिक्स का नायलॉन सिक्स के तो थ्रेड बनते हैं और उसके अलावा अगर अपन कहें तो अदर मटेरियल भी उसमें ऐड होता है तो टायर के लिए अलग रहेगा कॉस्मेटिक के लिए अपने पास आ, बहुत सारे ऑप्शन है एक सिंगल ऑप्शन अपन उसमें नहीं कहेंगे नेचुरल मिलने वाला आपका जो सेलुलोज है वो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में काम आता है सेमी सिंथेटिक उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लें हम मॉडिफिकेशन से सेलुलोज का अदर एसीटेट बना लें अदर प्रोडक्ट बना लें वो भी काम आता है तो ये सब बाकी की रिमेनिंग ऑप्शन के बारे में बात हुई बच्चों चलो और देखिए इसके बाद लेकिन आप काम करेंगे बच्चों यूज एन में जहां पे यूज की बात आ जाएगी वो अंडरलाइन करना यूज का क्वेश्चन आता है यूज के अलावा क्लासिफिकेशन किस वेराइटी का है जैसे मैंने क्वेश्चन डाले हैं ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलना आपको बच्चों ट्रांसफॉर्म ऑफ पोलियोसोप्रिप देखो बच्चों ये जो है ये है आपका आइसोप्रिन ये एडिशन पोलिमराइजेशन करता हुआ आपको नेचुरल रबड़ देता है ये काम नेचर में होता है नेचर में एक प्लांट में होता है फिर लेकिन उसमें खास बात ये है कि आपका ये जो मोलिक्यूल है इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का चांस अगर मैं इस मैथिल को यहां से एक बार हटाऊं तो वैसे इसमें जी समझना भी थोड़ा सा टेढ़ा काम है कि इसमें जियोमेट्रिकल कैसे हुई क्योंकि अपन को लगता है कि सर यहां तो एच है यहां तो एच है यहां तो कोई जी की बात ही नहीं नहीं है बच्चों एक्चुअल में इस पाई और इस पाई के रेजोनेंस के चक्कर में बीच वाले बोंड में क्या आ जाता है डबल बोंड करेक्टर द्वी का गुण आ जाता है उस डबल बोंड करेक्टर के चलते बच्चों जो बीच का बोंड है ना वो साइड वाले दोनों बोंड को या तो एक तरफ रखता है या फिर ऐसे अपोजिट रखता है इसको कहते हैं आ, सिस ओयडल फॉर्म और इसको कहते हैं ट्रांसोडल फॉर्म तो आपका जो आइसोप्रिन है वो सिस ओएडल भी मिलता है दुनिया में ट्रांसल भी मिलता है अगर आप सिडल लेकर के पोलिमर बनाएंगे उसको तो नाम देंगे न, आ, नेचुरल रबड़ बट ट्रांस ओयडल लेके बनाएंगे तो फिर उसे कहते हैं गट्टा पर्चा रबड़ आरसीटी जो होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब होता है तो वहां ये जो गट्टा पर्चा रबड़ है वो काम आता है गट्टा पर्चा कहते हैं इसको गट्टा ठीक है चलो और देखिए इसके बाद फिर रबड़ को लेकर बातें बताई है, है। गट्टा पर्चा का आ जाता है आ, उससे रिलेटेड अपन कहें तो क्लोरोप्रिन से नियोप्रिन रबड़ का आ जाता है तो जो जो ऑप्शन है वो सारे कवर करने की कोशिश किए वॉशेबल एंड वियर क्लॉथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग भाई आ, ऐसे वाले कपड़े जो इजीली वॉश करके अपन पहन सकें इजीली अपन उनको सुखा सकें इस तरह की पॉसिबिलिटी अगर वहाँ है तो वो कौन सा है नायलॉन देखो नायलॉन के जो रेशे हैं उनसे अपन रस्सियाँ बना सकते हैं ब्रश बना सकते हैं रॉब बन सकती है या फिर अपन कहें तो नायलॉन सिक्स टेन अगर, अगर अपन लेते हैं तो उससे स्लीपर भी बन सकते हैं फुटवेयर का सोल बन सकता है तो उससे प्लास्टिक की चेयर बन सकती है. लेकिन नायलॉन का यूज जो है यहां अपन नहीं करते जो क्लॉथ के पर्पज से नहीं करते तो वहां जो नाम आता टेफलॉन का भी नहीं आता टेफलॉन जो है वो छोड़ो टेफलॉन इसलिए छोड़ो क्योंकि वो नॉन स्टिक कुकवेयर में काम आता है बता दिया मैंने एक यूटेंसिल में कटिंग के काम आता है टेरीलीन फाइबर ये बिल्कुल सही देखो एक्चुअल में क्या होता है आपके पास होता है बच्चों इस तरह का एक मोनोमर एथिलीन ग्लाइकोल एक आपके पास इस टाइप का एक मोलिक्यूल होता है जिसको कहते हैं टर्थेलिक एसिड ये दोनों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कंडन पोलिमराइजेशन लूज करते हुए एक पॉलीमर बनाते हैं पॉलीमर को कहते हैं टेरिलीन डेक्रॉन और यही होता है क्लॉथ इंडस्ट्री में क्लॉथ बनाने में या वॉशेबल वियर क्लॉथ बनाने में काम आने वाला अब बच्चों इसमें क्या होती है ये बॉन्डिंग होती है एस्टर बॉन्डिंग एस्टर बोले तो बार बार रिपीट होता है इसको क्या कहते हैं पोली लेकिन मार्केट में इसका बिगड़ा हुआ नाम चलता है पुलिस तो कपड़े की किसी दुकान पे जाके आप कहें देना तो बड़े आराम से दे देगा लेकिन आप प्रॉपर बोलो पोलिस्टर तो फिर हो सकता है वो उस बात को ना समझे का ही बिगड़ा हुआ नाम है मार्केट में तो एक कपड़े का टाइप है बच्चों तो बिल्कुल क्लॉथ में अपन कहें तो इसको काम में लेते हैं अपन टेरिलीन फाइबर को नेक्स्ट देखो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमाइट देखो यहां पे फिर कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल पे ले आया एमाइड देखना चाहता है नाइलॉन सिक्स सिक्स एमाइड होता है नाइलॉन सिक्स एमाइड होता है प्रोटीन भी एमाइड होता है लेकिन ग्लाईपटल ग्लाईपटल अभी जो मैंने टेरिलीन बनाया बस उसमें आपको मोनोमर चेंज करना है यहां अपन कहें तो ये एथिलीन ग्लाइकोल और साथ में आपको जो रिएक्शन करानी है वो इस वाले थैलिक एसिड के साथ करानी है ये रिएक्शन होगी तो इससे बनेगा एल्काइड रेजिन या उसको ग्लाइब पटेल कहते हैं और ये जो ग्लाइब पटल है ये क्या काम आता है पेंट और वार्निश बनाने में काम आता है लेकिन बच्चों होता क्या है ये होता तो एस्टर है ना आपको तो यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोलियामाइड पोलियमाइड कौन सा नहीं है नाइलॉन एमाइड है नाइलॉन सिक्स एमाइड है प्रोटीन अमाइड है क्योंकि तो उसमें तो हमेशा एमाइड लिंक होता है हालांकि यहाँ उसको एमाइड ना कह के अपन पेप्टाइड स्पेशली बुलाते हैं पर हमें तो टेक्निकली तो पता ही है ना कि एमाइड होता है उसमें बॉन्डिंग चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विद टाइम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ शुगर नॉन एस बच्चों आप एक शुगर का सोल्यूशन रेडी करते हैं और टाइम के साथ साथ उसके अंदर अपन कहें तो ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो चेंज होता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है रोटेटरी मोशन इन्वर्जन स्पेसिफिक रोटेशन म्यूटा रोटेशन ये आंसर है बच्चो इसका म्यूटा रोटेशन कहते हैं इनवर्जन एक अलग प्रोसेस है इन्वर्जन में क्या होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर आफ्टर हाइड्रोलिसिस लेवोरोटेटरी हो जाती है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी ये आपको मिलेगा बच्चों कहा सुक्रोज में सुक्रोज जो है जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन होगा उस टाइम उसको डेक्स्ट्रो नेचर लेवो में बदलता है उसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर इन्वर्ट शुगर उसका नाम होता है और इन्वर्जन प्रोसेस को कहते हैं और स्पेसिफिक रोटेशन अगर अपन कहें तो जो

जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट के लिए बच्चों सी एक्स एच टू ओ वाई ये फॉर्मूला दिया गया था स्टार्टिंग डेज में कार्बोहाइड्रेट जो नेम है ना ये भी इसी के बेस पे आया था हाइड्रेट ऑफ कार्बन कार्बन का जो हाइड्रेट है वही तो कार्बोहाइड्रेट कर, है इस फॉर्मूला को देख के ही तो ये नाम आया हालांकि ये गलत है क्योंकि तो हमारे पास ऐसे एग्जांपल है जैसे फॉर्मल फॉर्मेलिटी बिल्कुल इस फॉर्मूला को फॉलो करता है पर फॉर्मेलिटी कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो इसका मतलब लेकिन और हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है जो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमारे पास वो भी एग्जाम्पल है जो फॉर्मूला फॉलो नहीं करता पर फिर भी कार्बोहाइड्रेट है तो ऐसे एग्जाम्पल मिलने के बाद ये हालांकि उतना ऑथेंटिक तो नहीं रहा ये नाम कार्बोहाइड्रेट नाम कहना पर लेकिन जो चल पड़ा ओल्ड इज गोल्ड चला आ रहा है बच्चों लेकिन अपन को फॉर्मूला पूछा है वो है सी एक्स एच टू ओ वाई हाँ तो बेटा यहाँ पे माल्टोजी हाँ ऑक्सीजन माल्टोज में पूछ रहे हैं बच्चो माल्टोज एक्चुअल में क्या होता है माल्टोज में ग्लूकोज के दो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं अल्फा ग्लूकोज के और अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज यहां से बॉन्डेड होते हैं ऑक्सीजन से बोले तो यहाँ एच ओ एच एच ओ एच का एक कंडेंसेशन प्रोसेस होता है वाटर लूज होता है और बॉन्डिंग हो जाती है ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा वन फोर क्योंकि दोनों यूनिट अल्फा है तो एक तो ये आ गया रिमेनिंग कार्बन पे क्या रहता है यहाँ पे बच्चों ओ एच रहेगा यहाँ पे भी ओ एच रहेगा यहाँ पे ओ एच यहाँ से रहेगा इस पे भी था लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया यहाँ सी एच टू ओ एच तो ईच यूनिट अपन कहें तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ऑक्सीजन है फाइव यहां फाइव यहां बिल्कुल यही ग्रुप यहां रिपीट होते हैं और रिमेन ये वाला कॉमन रहेगा तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा इलेवन आंसर आएगा नेक्स्ट इसके बाद कहें अपन तो ट्वेंटी टू करेक्ट नेम ऑफ सुक्रोज अब सुक्रोज कैन शुगर जो होती है सुक्रोज या इनवर्ट शुगर जो होती है इसमें दो यूनिट होती है ग्लूकोज की एक फ्रेक्टोज की ग्लूकोज होता है आपका अल्फा ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है कि शुगर नॉन रेड्यूसिंग हो जाती मतलब एनोमेरिक कार्बन पे दोनों में बॉन्डिंग होती है ये अपने अपन कहें तो फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक से बॉन्डिंग करेगा ये सेकेंड एनोमेरिक कार्बन से तो वन टू क्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा लेकिन आ, ये तो बेसिक बात हुई ग्लूकोज अल्फा होगा फ्रक्टोज बीटा होगा बॉन्टी बॉन्टी होगी और एक बात यह कि यहां ग्लूकोज है वो सिक्स रिंग स्ट्रक्चर में होता है अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसिल बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइट तो बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी फ्रक्टोज है ये तो ओके जबकि आगे देखो बीटा डी ग्लूकोज बिल्कुल गलत लेना ही नहीं है ग्लूकोज बीटा होता ही नहीं है फिर यहाँ अल्फ़ा डी ग्लूको और अल्फा डी फ्रक्टोज तो ये भी छोड़ दो बच्चों क्योंकि फ्रक्टोजल फ्रक्टोज बीटा लेना था अपन को बीटा डी ग्लूकोज ये भी छोड़ दो तो आंसर तो फिर यही रहा बच्चों अगर आप ऑप्शन भी थोड़ा सा देखते अब यहाँ पे इसने अल्फ़ा डी ग्लूको पायरोनोसिल पायरेनोसिल जो फर्स्ट यूनिट है उसको पायरेनोसिल कहा जो सेकेंड यूनिट है उसको फ्यूरेनोसाइड कहा ठीक है बच्चों तो ये आपका फर्स्ट आंसर आएगा इसमें हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना ट्वेंटी थ्री क्या कहता है विच इज ए रेड्यूसिंग शुगर रेड्यूसिंग शुगर बतानी है देखो बच्चों बात आती है रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग की तो रेड्यूसिंग वो है जो मोनोसेकेराइड जो नॉन रेड्यूसिंग है पोलीसेकेराइड है और जो डाइसेकेराइड अपने पास है उसमें से सुक्रोज एक नॉन रेड्यूसिंग वैसे तो सीधा सा कंसेप्ट ये है रेड्यूसिंग में मोनोसेकेराइड रखना है और डाइसेकेराइड में सुक्रोज को छोड़ के रखना है तो ये था तो भाई आपको ग्लूकोज दिया फ्रक्टोज दिया गलेक्टोज दिया तो तीनों मोलिक्यूल जो दिए हैं वो मोनोसेकेराइड ही तो दिए तो मोनोसेकेराइड दिए हैं तो आपका आंसर चला जाएगा फोर लेकिन वैसे इसका कंसेप्ट ये रहेगा कि यहां पे आपको रेड्यूसिंग का मीनिंग क्या है एक ऐसी शुगर जो टॉलेन का फेलिंग का बंडिक का टेस्ट शो कर दे ओसाजोन बना ले ये जो शुगर है वो रेड्यूसिंग ऐसा सब करने के लिए या तो आपके मॉलिक्यूल में ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जैसा आपको ग्लूकोज में मिल जाएगा या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो कि आपको फ्रेक्टोज में मिल जाएगा और ग्लूकोज गलेक्टोज तो वैसे भी आपको मालूम है एपीबर होते हैं दोनों में सी एच ओ होता है या फिर बच्चों अगर वो रिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो तो ये भी एक पहचान है कि इस तरह की अवस्था हो मतलब ओ एच ओ आर एक कार्बन पे हो इसको कहते हैं हेमी हेमी एसिटेल कीटेल जब तक ग्लूकोज अल्फा होता है या बीटा होता है फ्रोक्टोज अल्फा या बीटा होता है तो वो आपको इस फेज में मिलता है इस फेज में मिलता है तब तक वो क्या रहेगा रेड्यूसिंग रहेगा सुक्रोज में प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों सुक्रोज बनते टाइम ग्लूकोज और माल्ट mal... ग्लूकोज uh, और फ्रोक्टोज जब अटैच होते हैं तो इस हैमी को हैमी नहीं रहने देते वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं uh, यहाँ पे दोनों ग्रुप इस तरह की फेज में आ जाते हैं बेटा ठीक है तो ये कंसेप्ट की बात थी चलो नेक्स्ट देखें इसके बाद अपन तो यहां ये क्वेश्चन नंबर अपना 23 हुआ 24 में देखें 24 क्या कहता है 24 में कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में भी स्टोर होता है प्लांट में भी होता है प्लांट में वो स्टोरेज होता है स्टार्च की फॉर्म में और ह्यूमन बॉडी में जो मानव शरीर है उसके अंदर अगर अपन कहें कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज है वो किस रूप में होता है ग्लाइकोजन के रूप में तो बेटा ग्लूकोज नहीं ग्लूकोज स्टोरेज का तरीका नहीं ग्लूकोज तो क्या डाइजेशन के बाद ब्लड में मिलता है और स्टार्च नहीं ये प्लांट का तरीका है ग्लाइकोजन तो बिल्कुल ग्लाइकोजन ही आपको आंसर देना है फ्रक्टोज फ्रूट में एक शुगर होती है ठीक है तो ये ग्लाइकोजन जाएगा इसका आंसर बेटा चलिए नेक्स्ट कहें हम इसके बाद ट्वेंटी फोर के बाद कहें तो ट्वेंटी फाइव देखते हैं बेटा ट्वेंटी फाइव में क्या कह रहा है द शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट सीधा सीधा फैक्ट है फ्रूट में फ्रक्टोज होती है उसका जो स्वीटनेस आता है वो फ्रक्टोज की वजह से आता है तो यहाँ पे फ्रक्टोज आएगा बच्चों ठीक है ग्लूकोज सुक्रोज नहीं सुक्रोज अपन कहें तो नहीं होगी फ्रक ग्लूकोज भी कहें तो स्टार्च का पार्ट अपन कह सकते हैं तो सीधा फैक्ट वाला सवाल था बच्चों ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद फिर 26 नंबर क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है 26 में देखो बच्चों द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म इन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज मतलब आप जब स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं स्टार्च एक पोलीमर है पोलीमर में ग्लूकोज 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 अटैच है कौन से ग्लूकोज अटैच है बच्चों अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज का पोलिमर होता है ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज तो बीच में फेज कौन सी आती है लेकोज माल्टोज सुक्रोज या फ्रक्टोज तो नाम आता है बच्चों माल्टोज का एक्चुअल में होता है क्या है अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज का एक डाइमर होता है माल्टोज और वो माल्टोज चेन और स्ट्रेट बन जाए तो स्टार्च का अमाइलोज बन जाता है फिर उसमें फिर ब्रांचिंग हो जाए वन फोर के अलावा वन सिक्स बॉन्डिंग हो जाए तो वो अमाइलोपेक्टीन में भी कन्वर्ट होता है तो ऐसे स्टार्च जब बनती है तो उसमें अल्फा ग्लूकोज काफी सारे अटैच होते हैं लेकिन उसका एक स्मॉल पार्ट टू ग्लूकोज का जो पार्ट होता है उसको अपन माल्टोज कहते हैं लेक्टोज वैसे ही नहीं लेने क्योंकि उसमें ग्लूकोज ग्लेक्टोज होता है तो ग्लूकोज अपने को तो सिर्फ ग्लूकोज जो मिले और सुक्रोज भी नहीं ले सकते ग्लूकोज फ्रक्टोज का एक डाइमर होता है वो तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा माल्टोज मिलेगा बेटा नेक्स्ट देखिए इसके बाद ट्वेंटी सेवन नंबर में देखें अपन ट्वेंटी सेवन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटोज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव देखो बच्चों ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर कायरल सेंटर के साथ अपन कहें मोर देन वन कायरल सेंटर आपके मोलिक्यूल में है तो पी ओएस सी एबसेंट होनी चाहिए ये कंसेप्ट होता है ऑप्टिकल एक्टिव का तो आपके सामने ये पेंटोज दिए पेंटोज बोले तो फाइव कार्बन की शुगर है आपके सामने यहाँ पे भी कायरल सेंटर है यहाँ पे भी कायरल सेंटर है यहाँ पे भी कायरल सेंटर है कार्बन के ऊपर ओवच ओच आ रहा है तो ये थ्री कायरल सेंटर है यहाँ पे भी ये थ्री कायरल सेंटर है यहां भी अपन कहें तो ये कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर वाले इन मोलिक्यूल में कभी सीओएस आएगी क्या कभी नहीं बच्चों जो टॉप पे ग्रुप है वो बॉटम पे नहीं है टॉप पे ग्रुप है वो बॉटम पे नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी क्या नहीं आएगी आप इसके इक्वल कट नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब ये जो वन टू थ्री आपको सब दिए हैं सब के सब एक्टिव हैं बच्चों ठीक है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंसेप्ट आपको मालूम है पी एस एस नहीं होना चाहिए एक्टिविटी होती है चलो फिर कहें बेटा इसके बाद ये आपका क्वेश्चन 27 था 27 के बाद देखते हैं बेटा 28 28 में देखिए बेटा क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट भाई आपको एक राइट right स्टेटमेंट बताना है देखते हैं स्टेटमेंट क्या है सेलुलोज आर लीनियर पोलिमर ऑफ बीटा ग्लू कोज मोलिक्यूल विद बीटा वन फोर लिंकेज देखो बिल्कुल ठीक बात है स्टार्च एक लीनियर पॉलीमर नहीं होता बट आ, गल, आ, अगर अपन सेलुलोज की बात करें तो बिल्कुल वो लीनियर होता है और उस लीनियर पॉलीमर के अंदर जो यूनिट होती हैं वो बीटा ग्लूकोज ही होती हैं क्योंकि अल्फा ग्लूकोज से स्टार्च बनता है बीटा से सेलुलोज और उसमें जो लिंक बताया इसने बीटा वन फोर ये भी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि तो बीटा लोगे तो बीटा बॉन्डिंग और वन फोर बॉन्डिंग किस टाइप से इस टाइप से आपका एक ग्लूकोज होगा सेकंड ग्लूकोज भी ऐसे ही होगा थर्ड ग्लूकोज भी ऐसे से ही होगा तो यहाँ पे अगर, अगर अपन कहें तो ये वाला जो पोर्शन है आपको यहाँ पर जो भी लेना है वो बीटा ग्लूकोज लेने हैं तो ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच सी एच टू ओ एच ऐसी पोजिशन रहेगी रिमेनिंग उसकी वैलेंसीज पे क्या रहेगा एच 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 और यहाँ पे भी एच और यहाँ की सिचुएशन भी बिल्कुल ऐसी ही हर मोनोमर पे सेम रहेगी तो इसमें अगर, अगर अपन कहें तो यहाँ वाला जो पोर्शन होगा ओ OH एच और एच वाला इनके बीच यू से वाटर लूज होने से दोनों कनेक्ट होंगे तो बच्चों ये वाला जो कार्बन होता है वो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन होता है ये वाला जो होता है वो फोर नंबर होता है तो लिंक कौन सा होता है वन फोर लिंक और वो भी कौन सा बीटा वन फोर यहां बनेगा नेक्स्ट यहाँ पे भी बनेगा फिर आगे भी बनेगा यहां भी बनेगा तो ओवरऑल लीनियर एक पॉलीमर वो बनने वाला है तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है तो आगे में देखें क्या है स्टार्च आर पोलीमर ऑफ एल्फा ग्लूकोज बिल्कुल स्टार्च अल्फा का होता ये है ये ठीक है मोलिक्यूल विद बीटा वन फोर लिंकेज जब है अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर तो उसमें बीटा लिंक कैसे बनेंगे यहां से ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया बच्चों नेक्स्ट कहें प्रोटीन आर ऑफ बीटा एमिनो एसिड बाकी सब ओके है बेटा पर ये जो ये जो बीटा लिया गलत ले लिया एक्चुअल में अल्फा एमिनो एसिड का जो पॉलीमर है उसको अपन प्रोटीन कहते हैं ठीक है तो ये भी बेटा गलत तो ये गलत तो ओवरऑल ये तो दे ही नहीं सकते आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद नेक्स्ट में क्या दिया है अपन को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखें ट्वेंटी नाइन में आपको पूछा कि इंसुलिन इज इंसुलिन क्या है इंसुलिन का नाम सुना होगा बच्चों इंसुलिन अपन कहें तो हमारे ब्लड में मिलने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है ठीक तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे इंसुलिन को अमीनो एसिड कहेंगे प्रोटीन कहेंगे कार्बोहाइड्रेट कहेंगे या लिपिड कहेंगे तो बेटा इंसुलिन एक प्रोटीन है जिस प्रोटीन को बनने में 51 वन एमिनो एसिड रिक्वायर्ड होते हैं इक्यावन इक एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है एक बेसिकली प्रोटीन लेकिन मैंने नाम लिया कि इंसुलिन हार्मोन है तो प्रोटीन के ही जो फॉर्म है उसे हार्मोन या एंजाइम अपन कहते हैं बायो सिस्टम में कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस कराने में काम आता है तो इसका काम क्या है बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में जो ग्लूकोज का अमाउंट है उसको मेंटेन करना ठीक चलिए और देखिए इसके बाद फिर नेक्स्ट कहें अपन ट्वेंटी नाइन के बाद थर्टी पे आते हैं थर्टी में क्या कहा जा रहा है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहें तो आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु समविभव बिंदु क्या है ये पूछ रहा है देखो बच्चों क्या होता है हमारे पास होते हैं इस टाइप के मोलिक्यूल जिनको हम कहते हैं एमिनो एसिड जो कि बॉडी में लगभग 20 टाइप के हमें मिल जाते हैं

सोल्यूशन का वो पीएच जब ये डबल आयन या जूटर आयन हाइस्ट कंसेंट्रेशन पे होता है उसी को अपन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं अब जब वो ऐसी फेज में होता है बेटा तो एक्चुअल में क्या रहता है इस तरह उसके ऊपर दो चार्ज आ जाते तो अगर आप इस तरह का कोई सोल्यूशन ले रहे हैं जहां ऐसा आयन अपनी हाईएस्ट कंसंट्रेशन में है तो वहां अगर आप इलेक्ट्रोड लगाएं तो आपका ये जो आयन है ये किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे मूव नहीं करेगा रीजन क्योंकि प्लस वाले प्लस वाले पोर्शन को माइनस जो इलेक्ट्रोड है वो अट्रैक्ट करेगा माइनस वाले को प्लस वाला करेगा ओवरऑल दोनों फोर्स बराबर लगेगी तो वहां उनका मूवमेंट हो नहीं पाएगा यही आइस इलेक्ट्रिक पॉइंट है स्पेसिफिक टेम्परेचर को कहते नहीं कहते शूटेबल कंसंट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड को कहते हैं बिल्कुल नहीं कहते फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट ड नॉट अलाउ माइग्रेशन ऑफ एमिनो एसिड अंडर इलेक्ट्रिक फिल्ड ये वाली बात आ गई बच्चों में अलग अलग अंदाज हो सकते हैं तो पी एच का वो वैल्यू एच प्लस आयन का वो कंसंट्रेशन जब ज्यूट्राइन हाइएस्ट है और वो किसी इलेक्ट्रिक uh, फील्ड में किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉड पर अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा बस बेटा जी यही था फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड नहीं ये भी रॉन्ग है बेटा तो यहां अपन कहें तो अपना आंसर था थर्ड चलिए बेटा नेक्स्ट देखें इसके बाद आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात आपको क्लियर हुई अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे आते हैं बच्चों थर्टी वन क्या कह रहा है कर दो एंजाइम को, को कर दो या बेसिकली बात कहें तो प्रोटीन को करो तो न्यूक्लिक एसिड नहीं न्यूक्लिक एसिड जो होता है न्यूक्लियोटाइड का पोलीमर है आप उसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा कार्बोहाइड्रेट नहीं कार्बोहाइड्रेट में तो स्टार्च का नाम लोगे तो ग्लूकोज मिल जाएगी आपको सेलुलोज का लोगे तो बीटा ग्लूकोज मिल जाएगी फैट फैट में अपन कहें आ, तो यहाँ पे भी एसिड और एल्कोहल का इल्ट्रेक्शन होके तो वहाँ हाइड्रोलाइज करोगे तो एसिड एल्कोहल मिल सकता है लेकिन प्रोटीन को अगर आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो बिल्कुल आपको अमीनो एसिड मिलने क्योंकि अमीनो एसिड अमीनो एसिड का पोलीमर जो है वो आपका क्या है प्रोटीन तो प्रोटीन को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन थर्टी वन के बाद अपन कहें तो थर्टी टू पे आते थर्टी टू में क्या कह रहा है अल्फा हेलिक्स फाउंड देखो बच्चों जो पुराने सालों में सवाल आए हैं उसके आसपास मैंने सारी चीजों को सेटल करने की कोशिश की तो आपको मालूम है प्रोटीन जो होता है प्राइमरी होता है सेकेंडरी होता है टर्शरी होता है क्वार्टनरी होता है इस टाइप के प्रोटीन बताए जाते हैं जो सेकेंडरी प्रोटीन है उसमें दो टाइप की स्ट्रक्चर बताई जाती है अल्फा स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो दूसरा पोर्शन मैंने पूछ लिया अल्फा हेलिक्स क्या है अल्फा हेलिक्स किस में मिलता है डीएनए में नो आरएनए में नो लिपिड में नहीं तो प्रोटीन में प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर एनसीआर में अपन देखते हैं तो उसमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं ठीक है

एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई सवाल वो आपको देता है तो स्ट्रक्चर पे जब वो जाएगा तो बेटा अब आपको एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर याद है तो क्वेश्चन सॉल्व होना है देखो क्या है एक्चुअल में एमिनो एसिड तो क्या है जहां एमिनो ग्रुप भी हो और एक एच हो और एक चैन के ऊपर कोई और ग्रुप आएगा अब अगर वो होगा गिन uh, जैसे इसका नाम लूम है तो ग्लाइसिन का मतलब यहां पर बच्चो एच होगा सबसे सिंपल एमिनो एसिड इनक्टिव एमिनो एसिड लेकिन ये अपना आंसर नहीं उसने कहा एमिनो एसिड बताओ वो बताओ जिसमें एरोमेटिक रिंग हो तो ग्लाइसिन मत लो बेटा ग्लाइसिन छोड़ दो बात एलेन की करें तो वो इसलिए छोड़ दो क्योंकि वहां यहां यहाँ मैथिल होता है फिर एरोमेटिक रिंग नहीं होती तो अब बात आ जाती है बच्चों किसकी टायरोसिन की तो बिल्कुल टायरोसिन जो है वो अपन को लेना है बच्चों टायरोसिन में एक्चुअल में यहां पर क्या रहेगा टायरोसिन जो है उसके अंदर ये ये वाली पोजीशन यहां पे रहती है बच्चों सी एच टू ऐसी एरोमेटिक रिंग होती है टायरोसिन वाले केस में तो एरोमेटिक रिंग रहती है और वो ये पूछना चाहता है अगर होता बच्चों लाइसिन तो लाइसिन में बच्चों ग्रुप जो यहां पे अटैच होता वो किस तरह का फोर कार्बन की चेन लास्ट में एन एच टू और ये यहां से बॉन्डिंग करता जो मैंने ये बॉन्ड बना रखा है क्लियर और अगर लाइसिन की जगह ल्यूसिन होता नाम एक जैसे से तो आइसोब्यूटिल लेते बच्चों तो आपको तो जो बताना था वो क्या अगर आपके माइंड में थोड़ा सा प्रिपरेशन है ऐसा तो बिल्कुल देखते ही होने वाला सवाल है बच्चों टैरोसिन ठीक है तो ये ये आपको आंसर देना है यहाँ पे चलिए फिर देखिए इसके बाद अगर हम कहें 33 हो गया 34 पे चले बेटा 34 में कहें अपन तो 34 में आपको दे रखा है ये वाला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है ऑयल एंड फैट आर ज्वाइंटली कॉल्ड ऑयल को फैट को एक नाम मैं और ऐड कर दूं वैक्स को ये तीनों जो है तेल जो है वसा जो है इनको सारों को एक फैमिली में रखा जाता है वो सोप नहीं है सोप नहीं कहते इनको पॉलीमर तो अपन कहें तो पॉलीमर में भी नहीं रख पाओगे क्योंकि तो यहाँ पे टू मॉलिक्यूल की इंट्रेक्शन होती एसिड और एल्कोहल के बीच ठीक है तो प्रोटीन कहें तो नहीं बच्चों प्रोटीन में भी नहीं रखेंगे लिपिड वो क्लास है लिपिड वो वर्ग है वो ग्रुप है जिसमें आप ऑयल को भी रखेंगे फैट को भी रखेंगे वैक्स को भी रखेंगे तीनों को एक साथ आप रख सकते हो किसके अंदर लिपिड में लिपिड की वेराइटी है ये सारी चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव थर्टी फाइव में क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड अब न्यूक्लिक एसिड का नाम आया है तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं पहले उनको पढ़ते हैं यूरेसिल थाइमिन एडेनिन टू एमिनोपेरेडिन देखो बच्चों न्यूक्लिक एसिड जब बनाते हैं तो अपन को एक न्यूक्लियोटाइड चाहिए न्यूक्लियोटाइड जब बनाते हैं तो वहाँ अपन को नाइट्रोजिनस बेस चाहिए नाइट्रोजीनस बेस में एडेनिन का नाम गवानिन का नाम साइटोसिन का नाम थाइमिन का नाम यूरेसिल का नाम हमने सुना होता है तो यहाँ पे उसने आपको यूरेसिल दे दिया ये वही यूरेसिल है था दे दिया ये वही वाला है एडेनिन दे दिया ये वही वाला है तो बच गया कौन सा ये वाला तो इसका तो वहाँ कोई काम ही नहीं है बच्चों या तो नाइट्रोजिनस बेस होता है या शुगर होती है या फॉस्फोरिक एसिड होता है जो न्यूक्लोटाइड बनाता है उससे हमारा डी एन ए बनता है तो यहाँ पे ये नाम आपको फालतू दिया गया था बस आपसे वो देखना चाह रहा था कि अपन उसके बेसिक से गुजरे हैं क्या बिल्कुल वैसे आपके लिए इजी क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट देखिए इसके बाद 35 के बाद देखो बच्चों 36 पे आते हैं 36 बच्चों एक फैक्ट वाला सवाल है थोड़ा याद करने की बात है यहाँ पे क्या कह रहा है विटामिन बी वन क्या है राइबोफ्लेमिन है थाइमिन है कोबालिन है या पैराडोक्सिन है बी को क्या कहते हैं तो भैया यहाँ पे मैं कहूँ तो जो थाइमिन है ये बी है जबकि राइबोफ्लेविन जो है ये B2 कहलाएगा ये पैराडोक्सिन जो है वो B6 है और कोबालामिन जो है वो आप B12 के नाम से पढ़ते हो ठीक है तो यहाँ थोड़ा सा फैक्ट वाली बात थी कि उसका जो नाम है B1, B2, बी टू बी कॉम्प्लेक्स बी सीरीज के जो विटामिन हैं उनके अंदर मैंने चार लेने की कोशिश की B6, B12, बी B1 और बी ठीक है बच्चों क्लियर हुआ होगा चलिए थर्टी सेवन में आपसे कह रहा है वो द टेंथ एलिमेंट एक मिनट अपन को जाना है थर्टी सेवन पे देखिए बच्चों थर्टी सेवन में क्या कह रहा है द टेंथ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल विद पीरियोडिक टेबल के सवाल हैं बच्चों पॉलीमर के करे बायोमोलिक्यूल के करें पीरियोडिक टेबल पे आते हैं टेबल का एलिमेंट तो आप जानते हैं वो कौन होता होता है होता है है अगर, अगर अपन कहें तो किसके साथ सिमिलर है? अब थोड़ी उसकी मदद लेते हैं पहले, चार ऑप्शन दिए आपको तो अगर मैं नियोन का एड्रेस देखूं तो मुझे लगता है ये पीरियडिक टेबल की सेकेंड लाइन में आ रहा है पहली लाइन में तो हाइड्रोजन ही फिर उसके बाद लीथियम बेरेलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन और नियॉन बिल्कुल सेकेंड वाले पीरियड के साथ ये जो लाइन इसमें चलती इनको तो अपन क्या कहते हैं वर्टिकल को तो ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं पीरियड कहा जाता है तो सेकेंड पीरियड की से बिलोंगिंग है तो आप सेकेंड पीरियड दीजिए बाकी फोर्थ ग्रुप से इसका कोई रिलेशन नहीं है फोर्थ के साथ अपन कहें तो आपके पास एल्काइली मेटल एलकाइली अर्थ मेटल और उसके बाद डी ब्लॉक की सीरीज शुरू होगी स्कैंडियम वाली जो ग्रुप है वो तो है थर्ड और फिर टाइटेनियम वाली जो है वो फोर्थ तो नियोन उससे रिलेटेड नहीं है नाइन्थ ग्रुप से अपन कहें तो नाइन्थ भी डी ब्लॉक में आएगा तो अपने पास परफेक्ट आंसर है कौन सा सेकेंड पीरियड के साथ क्योंकि तो वो उस पीरियड से रिलेटेड है तो उनके साथ उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेगी चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट में अपन देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स तो रिप्रेजेंटेटिव कहें तो प्रतिनिधि समूह कहते हैं आवर्त सारणी को बच्चों चार चार नामों से अपन बांटते हैं एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि एक होते हैं ट्रांजिशन और एक इनर ट्रांजिशन और एक अपन कहें तो इनर्ट गैस सीधा सीधा सब तो रहता है एस ब्लॉक पी ब्लॉक को रख देते हैं रिप्रेजेंटेटिव में नोबेल गैसेज को इनर्ट गैसेज को बाहर करते हैं उसमें से और ट्रांजिशन में डी ब्लॉक को और इनर ट्रांजिशन में एफ ब्लॉक को हालांकि इसमें कुछ एलिमेंट अपन कहें तो जैसे डी ब्लॉक का जो लास्ट ग्रुप होता है जिंक कैडमियम मर्करी वाला वो भी रिप्रेजेंटेटिव में आता है ठीक तो देखते हैं कैसा है रिप्रेजेंटेटिव लेंथ नहीं ये तो नहीं आएगा क्योंकि अपन को एस पी ब्लॉक से रिलेटेड चाहिए ऑर्गन तो अगर अपन कहें तो बिल्कुल यहाँ पे ऑर्गन की बात अगर अपन करते हैं तो वो किस में चला जाएगा नोबेल गैस इनर्ट गैस एस और पी ब्लॉक पी ब्लॉक का आ गया लेकिन अपन को इनर्ट गैस भी नहीं लेनी फिर क्रोमियम तो ये तो डी ब्लॉक का है ट्रांजिशन में जाएगा एल्युमिनियम पी ब्लॉक का है बोरॉन एल्युमिनियम बोरॉन के नीचे वाला पी ब्लॉक का है तो एस और पी ब्लॉक को अपन रखते हैं किस में रिप्रजेंटेटिव के अंदर ठीक है बच्चों तो ये बात थी तो ये अपना क्वेश्चन हुआ बच्चों रिप्रेजेंटेटिव को लेके नेक्स्ट कहें हम इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पे आते हैं बेटा थर्टी नाइन देखो द एलिमेंट कैलिफोर्नियम बिलोंग टू द फैमिली अब एक स्पेशल एलिमेंट के बारे में पूछा कैलिफोर्नियम अब कैलिफोर्नियम कहाँ है आप यहां पे देखो पूरी टेबल या तो याद हो सीधा फैक्चुअल है या अगर अपन कहें तो जो ऑप्शन दिए हैं थोड़ी उनकी मदद ले लें अपन जैसे एक्टेनॉइड सीरीज एल्काइली मेटल एलकाइली अर्थ और लेंथेनोइड चार ऑप्शन दिए तो चार ऑप्शन में बच्चों एल्काइली एल्काइली अर्थ मेटल अपन कहें एल्काइली मेटल जो है या जिसको आप शार धातु भी कहते हो इसमें क्या आता है है ली ना की रब से फरियाद ट्रिकी अपन ने याद कर रखा हो तो यहाँ पे अपने बस कैलिफोर्नियम जैसा कुछ नहीं है कैलिफोर्नियम एलिमेंट इसमें नहीं है एल्काइली अर्थ मेटल में अपन कहें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम कैल्शियम स्टानशियम बैरियम रेडियम तो यहाँ भी बात नहीं बनी तो बच्चों इसका मतलब ये दोनों नहीं है तो यह तो लेंथेनॉड या एक्टेनॉयड तो लेंथेनॉड एक्टेनॉयड में तभी ये क्वेश्चन दिया गया है उसके पीछे रीजन ही ये है कि लेंथेनॉड एक्टेनॉड की जनरली अपन ट्रिकी याद नहीं कर रखा तो फिर नहीं होगा या पूरी प्रोडिक्टेबल में वो एलिमेंट जो पीछे पीछे वो हमने नहीं देखे तो लेंथेनोइड के लिए बच्चों क्या चलता है आ, यहां पे अपन कहें तो सीने पर नदियां प्रेम की सिमटी यू गोड तब दयालु हुआ अरी तुम अभी भी लाजवाब तो ये थी बच्चों आपके पास लेंथेनोइड की ट्रिक ठीक है तो यहाँ पे भी अपने पास कैलिफोर्नियम नहीं है और एक्टे रोड में जाए तो था पा यू नेपाल पुकारे अमन सीमा बिके कैफे में ये लो साहब कैफे में कैलिफोर्नियम यही है कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ ये लो बच्चों तो आपको ये बताना था ठीक है तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको ट्रिकी पीरियडिक टेबल याद है तो कैलिफोर्निया में बता सकते थे किससे बिलोंगिंग है एक्टेनोइड सीरीज से बेटा चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद फिर नेक्स्ट इसके बाद 39 के बाद देखिए अपन 30 uh, 40 में आते हैं डायगोनल रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशनशिप शोन बाई विकरण संबंध कौन दिखाता है तो डायगोनल रिलेशनशिप या विकरण संबंध की जब बात आती है तो कुछ फेमस एग्जाम्पल आपको याद होंगे जैसे लीथियम है बैरेलीम है बोरॉन है इसके डाउन में एक ग्रुप है जिसमें आएगा आपका सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन तो एक एलिमेंट अपने से नीचे वाले ग्रुप के डायगोनल एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी में काफी सिमिलरिटी शो करता है इसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं बच्चों जैसे ये और ये ये और डायगोनल रिलेशनशिप वाले एलिमेंट होते हैं ठीक है विकर्ण संबंध कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप तो किससे रिलेटेड है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड नो ये फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन हिलियम थोड़ी है एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड बिल्कुल ये जो एलिमेंट अपन देख रहे हैं ये किस में आ रहे हैं आपके सेकेंड पीरियड में लेकिन रिलेशन किन के साथ है इनका थर्ड पीरियड वालों के साथ सेकंड थर्ड में जो ये इंटर रिलेशन है इसी को अपन डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से जानते चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं फोर्टी के बाद देखें आप फोर्टी वन फोर्टी वन में क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चालकोजन देखो अभी पीरियडिक टेबल में एक बात ली थी मैंने रिप्रेजेंटेटिव तो रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन की बात हुई वैसे यहाँ पे कुछ फैमिली के स्पेशल नेम होते हैं एल्काइली मेटल एल्काइली अर्थ मेटल निकोजन चालकोजन इस तरह तो यहाँ ये जो नेम स्पेशली चलता है ना बच्चों चालकोजन ये किसके लिए चलता है आ, ये ऑक्सीजन फैमिली वाले जो होते हैं और फॉर्मिंग जो फैमिली है मेटल के जो और बनते हैं वो ऑक्साइड सल्फाइड इन जनरल बनते हैं चालगोजन फैमिली वही वाली है हेलोजन में आप जानते फ्लोरोक्लोरो आता है, फ्लोरो है। चालगोजन में ऑक्सीजन सल्फर और निकोजन में नाइट्रोजन फास्फोरस ठीक तो यहाँ पे उसका देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज कॉन्फिगेशन पूछा है सीधा सीधा फैमिली भी नहीं पूछी यहाँ पे कॉन्फिगेशन की बात तो ऑक्सीजन सल्फर वालों का कॉन्फिगेशन कैसा होता है बच्चों यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो एस टू पी फोर ऐसा कॉन्फिगेशन रहता है इनका ठीक क्योंकि इसके बाद P5 आएगा फिर P6 क्योंकि नॉवेल गैसेज जा आ जाती हैं इसके बाद हेलोजन वालों का आ, P5 तो यहां मैं देखूं एस टू नहीं नाइट्रोजन फैमिली का है ये देखूं तो बिल्कुल हमें जो आंसर देना है वो यही है ये हेलोजन फैमिली का है और ये इनर्ट गैस फैमिली का है क्लियर हुआ चलो हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्टी में देखें तो मोस्ट प्रीडोमिनेटली आयोनिक कंपाउंड विल बी ऑप्टेंड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू भाई ये कहना चाह रहा है कि आयोनिक मोलिक्यूल जो है वो सबसे बेटर अगर अपन कहें तो फॉर्म कैसे होगा आपके पास फर्स्ट एंड सेवेंथ ग्रुप से रिलेटेड हो वो सेकेंड और सिक्स से उसके एलिमेंट रिलेटेड हो या थ्री फाइव से हो या जीरो सेवन से देखो बच्चों आयोनिक बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है आयोनिक बॉन्ड में वन कैटायन होता है वन एनायन होता है कैटायन आपको वहाँ ईजी फॉर्म होगा जहाँ एलिमेंट का साइज बिग हो आई का वैल्यू कम हो और ऐसा आपको मिलता है अगर आप लेफ्ट में जाते हैं एल्काइली मेटल की साइड एल्काइली अर्थ मेटल की साइड तो वहां पे और बिल्कुल वैसे ही एनाइन फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए आप प्रोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एफिनिटी इंक्रीज होगी तो एफिनिटी बेस्ट कहाँ होती है अगर आप यहाँ जाते राइट में हेलोजन फैमिली की साइड तो आपके पास दोनों ऑप्शन है देखो वन एंड सेवन तो वन का मतलब कौन सा ग्रुप ले रहे हो आप एल्काइली मेटल और सेवन मतलब क्या ले रहे हो आप हेलोजन फैमिली जिसका बेस्ट एग्जाम्पल एन जैसे अपन कहते हैं एन ए प्लस बनना सीएल बनना तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड हो गया और अगर आप टू एंड सिक्स की बात करते हैं तो बच्चों आपको मालूम है लेफ्ट से राइट जाने पे जो साइज है वो डिक्रीज होता है तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज जो है वो डिक्रीज होगा तो अगर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब वन अगर आपके पास प्रेजेंट है तो फिर आप टू क्यों ले रहे हो और इधर भी आपके पास सेवन्थ ग्रुप का अगर एलिमेंट अवेलेबल है तो फिर अपन सिक्स का क्यों ले और फिर और आगे बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है और जीरो सेवन अगर अपन कहें नोबेल गैस के साथ अपन कहें हेलोजन की रिएक्शन तो यह आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करने का पैटर्न ही नहीं होगा तो यहाँ पे अपने पास बेस्ट ऑप्शन है ये वाला क्लियर हालांकि यहाँ से पॉसिबल है लेकिन अपन कहना चाहते हैं मोस्ट प्रीडोमिनेटली मतलब आपको वो बताना है जो जिसके सहयोग से सबसे अधिक आयनिक प्रकृति आयोनिक में अच्छा कैटाइन अच्छा एनआन ठीक है तो फर्स्ट दे दीजिए बेटा नेक्स्ट देखिए इसके बाद फिर फोर्टी uh, के बाद फोर्टी थ्री द एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पेरोडिक टेबल आर पेरोडिक टेबल का राइट साइड पेरोडिक टेबल में अगर अपन कहें तो आपके सामने पेरोडिक टेबल है तो ये इसका राइट हिस्सा होगा और ये इसका कौन सा हिस्सा होगा लेफ्ट तो आपको मालूम है लेफ्ट में क्या रहते हैं मेटल्स uh, एस ब्लॉक हुआ डी ब्लॉक हुआ एफ ब्लॉक हुआ राइट right साइड में नॉन मेटल होते हालांकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटलॉयड की एक सीरीज आती है बट उसने क्लियर राइट right कहा है तो राइट right में आप मेटल नहीं बताए मेटलॉयड नहीं बताए नॉन मेटल बताए ये चले नॉन मेटल आएगा बच्चों ऐातु में आएंगी मतलब आप पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं पी ब्लॉक में मेटल नॉन मेटल मेटलॉयड सब होते हैं बट राइट पोर्शन में अपन कहें तो नॉन मेटल डोमिनेटिंग होते चलिए सब नेक्स्ट इसके बाद कहें अपन हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 देखें चूज द टिपिकल एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट या प्रारूपी तत्व देखो सब क्या है मॉडल uh, एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट या प्रारोभिक तत्व किसे कहा जाता है एक ऐसा एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी को रिमेनिंग ग्रुप के मेंबर जो हैं फॉलो करें तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड ग्रुप है थर्ड ग्रुप के फर्स्ट से लेके लास्ट तक लेगीर एक लास्ट नोबल गैस एलिमेंट छोड़ दीजिएगा

डी ब्लॉक की पहली सीरीज है थ्री डी सीरीज वो उसके लिए डी ब्लॉक के लिए टिपिकल एलिमेंट का काम करती है लेकिन यहां पे बताना है तो आपको सोडियम लेना होगा बच्चों नेक्स्ट देखिए इसके बाद फिर फोर्टी फोर <laughs> हो गया फोर्टी फोर के बाद फोर्टी फाइव द एलिमेंट विद एटोमिक नंबर फिफ्टी फाइव बिलोंग टू भाई एटोमिक नंबर फिफ्टी फाइव वाला एस ब्लॉक से पी ब्लॉक से डी ब्लॉक से या एफ ब्लॉक से कहाँ से बिलोंगिंग होगा तो बच्चों ये एड्रेस बताने के लिए आपके पास क्या है आ, कुछ ट्रिकी मैनर में आपको चलना होगा जैसे यहाँ पे आपको एक तो याद हो हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन ये नोबल गैस एलिमेंट प्लस इनका एटॉमिक नंबर जैसे इसका टू है इसका टेन है इसका एटीन है इसका थर्टी सिक्स है इसका फिफ्टी फोर है आ, तो यूं से अपन अपने पास इनके अगर एटॉमिक नंबर है अपने पास और नेक्स्ट इसमें जाएंगे तो आपका 86 आ जाएगा ठीक है तो यहां आपको मालूम है उसने 55 पूछा तो 54 पे जाके आपकी ये लाइन कंप्लीट हो रही है कौन सी लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइव नंबर जो आपका पीरियड है वो यहाँ पे फिफ्टी फोर पे कंप्लीट हो जाएगा और फिर सिक्स पीरियड में आप जाओगे पीरियड की स्टार्टिंग से होगी एस ब्लॉक से होगी बच्चों के बाद 55 वहीं आएगा तो आपको बताना है वो कौन सी ब्लॉक से रिलेटेड है एस ब्लॉक से रिलेटेड ठीक है बच्चों चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद फोर्टी फाइव के बाद फोर्टी सिक्स हुज नेम इज नॉट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पेरोडिक टेबल के डेवलपमेंट पे हिस्ट्री पे बात करें तो बिल्कुल प्राउड साहब को हम याद करते हैं प्राउड साहब ने हाइड्रोजन के साथ उन्होंने कहा कि सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से फॉर्म है ऐसा प्राउड साहब की थ्योरी थी न्यूलैंड का एक रूल आता है बच्चों ऑक्टेव रूल आता है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल और नेक्स्ट बेयर ने कर्व दिया था जिसमें एलकाइली मेटल एलकाइली अर्थ मेटल ट्रांजिशन मेटल इन सब के लिए अलग अलग लोकेशन बताई लेकिन रदरफोर्ड का नेम एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड हो सकता है पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में अपन कहें तो ये नाम अपन को छोड़ना है तो यही इन्होंने कहा नोट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल टेबल के डेवलपमेंट में जो नाम आते हैं बाकी सारे आते हैं रदरफोर्ड का नहीं आता बच्चों नेक्स्ट कहें हम इसके बाद हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देखें अपन रेडियस का रिलेशन बताना है आपको यहाँ पे तो रेडियस में अपन कहें तो आपको दिया हुआ है एफ एफ माइनस ओ और ओ माइनस टू देखो अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पे साइज डिक्रीज होता है तो इसका मतलब ओ माइनस टू का जो साइज है वो एफ माइनस के कंपेरिजन में बिग होगा और बात अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की करूं तो ऑक्सीजन फ्लोरीन मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने का रिलेशन आया तो लेफ्ट से राइट जाने का रिलेशन आया तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है डिक्रीज होता है ठीक है तो ये तो बच्चों दो अलग अलग ब्लॉक में बात आई अब दोनों का कंपैरिजन करना हो तो वैसे अपने बस जेड इफेक्टिव के लिए एक फॉर्मूला भी होता है प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन तो यहां पे अगर मैं कहूँ तो ऑक्सीजन में प्रोटोन होंगे एट इलेक्ट्रॉन होंगे टेन

दोनों जो एनायन है आपके उनका साइज इनके कंपेरिजन में बिग रहेगा तो आप यहाँ ऑप्शन में ऐसा देखिए कहाँ है देखो ये बिल्कुल फिट है और जस्ट उसके बाद आपको और एफ भी दे दिया आगे वालों में क्या गड़बड़ है आगे वालों में देखो बच्चों ये तो ठीक है लेकिन ये गड़बड़ और यहाँ पे अपन कहें तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे दी इसने ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कोई ठीक से सेट नहीं किया और यहाँ पे इन दोनों को फिर अलग अलग कर दिया तो इसलिए अपन को आंसर देना था फर्स्ट चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन एक तो फ्लोरीन के लिए और दूसरा नियोन के लिए तो अपन जानते पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है तो फ्लोरीन से नियोन जाना लेफ्ट से राइट है इसका मतलब साइज डिक्रीज हो रहा होगा नहीं एक्सेप्शनली क्या होता है जो नोबेल गैसेस हैं उनके लिए वरवल रेडियस अप्लाई होने की वजह से उसका साइज सबसे ज़्यादा बिग होता है तो अगर, अगर अपन यू लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बिगेस्ट साइज जो होता है वो नोबेल गैसेस का तो उनको तो अपन एल्काइली मेटल से भी जो अल्काइली मेटल है उनसे भी ज़्यादा बिग साइज़ का मानते हैं तो अगर ऐसा है तो इस हिसाब से देखो बच्चों क्या दिया उसने uh, फ्लोरिन को कम दिया और नियोन को साइज uh, एंगस्ट्रम यूनिट उसने बता दी है मोर दिया ठीक है और यहां दोनों में बराबर दिया ये तो हो ही नहीं सकता ये दोनों बराबर दिया ये भी नहीं हो सकता नन ऑफ दीज क्यों कहें अपने बस ऑप्शन है और जस्ट ये भी बताया जाता है कि रेडियस जो होती है जस्ट डबल होती है तो अप्रोक्स डबल के पास ही जा रहा है ये फिगर। तो ये यहां पे नेक्स्ट देखिए इसके बाद 48 के बाद 49 नाइन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अब करेक्ट स्टेटमेंट देखना है फॉर पोटेशियम बात चल रही है बच्चों पोटेशियम की uh, द एटोमिक रेडियस लेस देन आयोनिक रेडियस तो भाई पोटेशियम में अगर अपन कहें तो पोटेशियम ये है और पोटेशियम आयन ये है तो पोटेशियम की ये पोजीशन है तो इसका मतलब पोटेशियम की जो साइज़ है पोटेशियम प्लस के कंपैरिजन में अगर अपन कहें कम होती है ऐसा रिलेशन बताएं तो बेटा ये गलत है रीजन कैटा हमेशा न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में स्मॉल साइज का होता है तो पहले वाला स्टेटमेंट में तो बात बनेगी नहीं क्योंकि ये यहीं पे फैल हो गया आगे देखो पोटेशियम के लिए फिर कहता है फॉर पोटेशियम एंड ब्रोमिन बॉथ वहां तो पोटेशियम में फैल हुआ तो आगे मैंने देखा ही नहीं पोटेशियम और ब्रोमीन दोनों के लिए ही वो कहता है एटोमिक रेडियस जो है वो आइनिक से ज्यादा बेटर होते देखो आ, यहां पे कहता है कि एटॉमिक ज्यादा बेटर है देखो इस वाले केस में पोटेशियम वाले केस में तो ये बात ठीक है कि पोटेशियम में पोटेशियम जो होगा पोटेशियम प्लस से ज्यादा बिग साइज का होगा ठीक क्योंकि कैटाइन का साइज कम होता है लेकिन ब्रोमीन वाला केस उल्टा होगा भाई ब्रोमीन ब्रोमीन माइनस बनाएगा और एनायन हमेशा न्यूट्रल से बिग साइज का होता है तो यहां पे भी ये सेकेंड रिलेशन भी ठीक नहीं है क्योंकि पोटेशियम ब्रोमीन दोनों के लिए सेम कंसेप्ट नहीं लग सकता उनके आयन और न्यूट्रल आइटम में फिर फॉर पोटेशियम एंड ब्रोमीन बोथ द एटोमिक रेडियस आयनिक रेडियस हमेशा बिग होती फिर गलत है बच्चों यहाँ आयनिक रेडियस कम होती है यहाँ पे अपन कहें तो ग्रेटर होती तो फॉर पोटेशियम एटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस के कंपैरिजन में ग्रेटर है बिल्कुल एटॉमिक आयोनिक से ग्रेटर है ये ठीक है ब्रोमीन के लिए एटॉमिक से आयोनिक ग्रेटर है ये भी सही है तो आपको आंसर दे देना चाहिए बच्चों फोर्थ ठीक है बस लैंग्वेज का खेल था और ज्यादा कुछ नहीं मुश्किल नहीं है ईजी था क्वेश्चन तो नेक्स्ट देखिए बच्चों फिफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग एलकाइली मेटल आयन हैज लोवेस्ट आयोनिक मोबिलिटी तो बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबीडियम प्लस सीजियम प्लस ये जो आ, कैटायन है एल्काइली मेटल के इनके लिए साइज की बात करें वैसे तो क्या होता है बच्चों साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम लेकिन बात हो रही है किसकी आ, एल्काइली मेटल आयन की और यहाँ पे मोबिलिटी इन एक्वाइन अब अगर आप उन उन्हीं आयन को एक्वा सोल्यूशन में रखते हैं तो वहां पे बच्चों एक ट्रिक ये लगती है कि जो स्मॉल है छोटा है वो मोटा हो जाता है और मोटा छोटा रह जाता है तो यहाँ पे अपन कहीं छोटा कौन से वाला है यहाँ पे सबसे छोटा लिथियम लिथियम सबसे छोटा है तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है फाइव देखा जाता है बच्चों फाइव होता है क्यू ओपोन आर रेडियस स्मोल होनी चाहिए चार्ज हाई होना चाहिए चार्ज तो भैया सबका सेम है रेडियस सबसे स्मॉल किसकी है लिथियम की इसलिए उसका है है और फाई होने से क्या होता हाइड्रेशन बेटर होता है उस आयन पे अपन कहें तो वाटर मॉलिक्यूल की जो लेयरिंग है वो ज्यादा अच्छी होगी तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बिग साइज का हो जाएगा तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी मूवमेंट जो उसकी गतिशीलता है जो आयनिक गति जो है वो कम हो जाएगी तो वो किसकी लिथियम इन जनरल अपन आंसर देना चाहते हैं सीजियम के लिए जो ज्यादा लेकिन ये बात वाटर में हो रही है इसलिए मैक्सिमम पूछ पूछ पूछना चाहता है तो बच्चों यहाँ पे आपको चारों जो एलिमेंट दिए हैं ये थ्री डी सीरीज से डी ब्लॉक की फर्स्ट लाइन से दिए हैं स्कैंडियम टाइटेनियम टाइटेनियम जो होता है ट्वेंटी टू वाला वेनेडियम ट्वेंटी थ्री वाला ये 24 वाला और ये 25 वाला तो बच्चों यहां जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा आता है आ, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका तो एक्सेप्शनल होता है बच्चों एस वन और आ, यहां पे डी फाइव ऐसा या डी फाइव अगर प्रॉपर अपन एन प्लस एल रूल को माने तो अपन ये कह देते हैं डी फाइव थ्री डी फाइव फोर एस वन हाफ फिल्ड क्वानिगेशन मेंटेन करने के लिए वो एस का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास शिफ्ट करता है लेकिन एम एन में वो चीज मेंटेन हो जाती है बच्चों डी फाइव एस टू ये है और बाकी में तो अपन कहें तो कंपैरिजन की बात ही नहीं है रीजन उसका क्योंकि उसका डी फिल नहीं होगा यहाँ पे आपके पास एक स्टेबल कॉन्फिगेशन के नाम लूँ तो ये दो स्टेबल कॉन्फिगेशन है और पीछे जाओगे तो फिर आपके पास यहाँ पे अपन कहें जैसे ट्वेंटी थ्री पे जाओगे तो फिर वहां डी थ्री रह जाएगा यहाँ भी अपन कहें तो डी वन डी टू रहेगा यहाँ रहेगा d3 थ्री एस टू और यहां पर अपन कहें तो d2 टू और s2 ऐसे कॉन्फिगेशन आएंगे तो उसने कहा हाईएस्ट टाइप पी तो भैया यहां पे तो हाइएस्ट लेनिंग इनमें लॉजिक है कि हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला तो ज्यादा बेटर कॉन्फिगेशन मुझे ये लग रहा है क्योंकि एक हाफ फील्ड वो तो उसमें भी है यहां पे हाफ फील्ड लेकिन यहां पे आपके पास फुल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करोगे आप एस में से क्योंकि फिलिंग का ऑर्डर कुछ भी हो इलेक्ट्रॉन फिल करते थ्री डी पहले फिल होता है लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आउटर रिमूव होना है आपको यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी देनी होगी तो बड़ा आईपी का वैल्यू जो आएगा वो किसका आएगा एम एन का फिर देखिए बेटा इसके बाद फिफ्टी वन के बाद फिफ्टी टू फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेरेलियम और बोरॉन के लिए देखो बच्चों वैसे तो क्या होता है बेरेलियम पहले आएगा बोरॉन बाद में आएगा आपको पूछ रहा है वो आईपी तो आईपी के लिए एफिनिटी के लिए लेफ्ट से राइट right आईपी जो होती है वो इंक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे एक एबनॉर्मल कंडीशन क्या है बेरेलीम होता है बच्चों वन एस टू टू एस टू का ये होता है वन एस टू टू एस टू टू पी वन का तो आपको मालूम है बच्चों ये ये जो है ये एस और यहां पे आपको जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो पी से तो पिनेंट्रेशन पावर अगर अपन देखें तो ज़्यादा बेटर किसकी होती है यहां बेरेलीम की तो ये एस जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास वाला है तो इस चक्कर में ये पूरी जो फैमिली है इसके आई के वैल्यू जो होते हैं वो इसके बजाय ओवरटेक करते हैं बोरन फैमिली से ओवरटेकिंग होती है आई के अंदर जैसे नाइट्रोजन फैमिली वाले जो हैं वो आई के वैल्यू में अपन कहें तो ऑक्सीजन वालों से भी बेटर होते हैं बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी एक जंप मिलता है तो ये ज्यादा अच्छा आईपी शो करेगा तो अब आप देख लो बच्चों, बेरेलियम का ग्रेटर, होना चाहिए, तो यहां पे बेरेलियम के लिए ग्रेटर नहीं दिया तो बेटर है। ये नॉर्मल आपको लगता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ रहा है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है। लेकिन रियल में आपको जो देना था फर्स्ट नहीं देना था बेटा फोर देना था चलिए नेक्स्ट देखो बेटा इसके बाद फिफ्टी के बाद 53. फर्स्ट फोर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट 191.578.872 एंड यहां पे 5962. एक बड़ा जंप आपको यहां आयोनाइजेशन एनर्जी आईपी जो है आयनन ऊर्जा जो है उनके वैल्यू दिए आईपी वन का टू का थ्री का फोर का दे दिया अब यहां पे बच्चों एक आ, कंसेप्ट ये चलता है कि अगर आपको आईपी के डाटा दिए हो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी जहां बड़ा जंप आता है इसका मतलब वो एक स्टेबल स्टेबल हाई कॉन्फ़िगरेशन है उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन आप लूज कर सकते हैं उसके तो अगर आप उसे केट बनाना चाह रहे द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने बताओगे बच्चों ये जो है वो नॉर्मल चेंज है बच्चों ये एबनॉर्मल चेंज था तो यहां तक IP1, IP2, IP3 तक, तो थ्री इलेक्ट्रॉन तक आप इजीली रिमूव कर पाते हैं तो तो कितने बताएंगे बताएंगे आप उसके उसके बेटा तो ये जो जहां जंप आ रहा था उसके according हमें बताना है कि जहां तक निकल पा रहा है, वो ये है, थ्री इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट देखिए बच्चों इसके बाद फिफ्टी थ्री के बाद फिफ्टी फोर द प्रोसेस रिक्वायर द ऑफ एनर्जी देखो होता क्या है यहां पे आपको वो सब में एनायन बना के दिखा रहा है तो किसी किसी एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हैं तो वो एनाइन बनता है और इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एटम में गैसियस एटम के आउटर स्फीयर में इलेक्ट्रॉन ऐड करना एफिनिटी और एफिनिटी इन जनरल एक्सोथर्मिक एक प्रोसेस होता है क्यों क्योंकि न्यू जो न्यूट्रल एटम है उसके न्यूक्लियर अट्रैक्शन में आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां एनर्जी रिलीज होती एक्सेप्शनल केस की बात नहीं करता हूं नोवल गैसेज इससे बाहर हैं एल्काइली अर्थ में भी एक्सेप्शन आता है नाइट्रोजन में आता है लेकिन वो बात छोड़ नॉर्मल वे में क्या है एक्जो होता है लेकिन एक्जो सिर्फ कब तक होता है जब तक आप न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं एनायन में जब करेंगे बच्चों तो फिर आप वहां पर एनर्जी वो कंज्यूम करेगा बोले तो एक्सो नहीं होगा एंडो प्रोसेस हो जाएगा तो यहां तो बच्चों न्यूट्रल से नेगेटिव है न्यूट्रल से नेगेटिव है न्यूट्रल से नेगेटिव है पर ओ से ओ माइनस टू बनाना मतलब ओ से जब आप ओ माइनस चलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी बट ओ माइनस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बच्चों ये फेवरेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो ऐड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो ये प्रोसेस जो होगा वो कैसा होगा एब्जॉर्बन वाला एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बच्चों अवशोषित करेगा ऊर्जा अवशोषण करता है तो ये देना है इसमें चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद 54 के बाद 55 फाइव इन न्यूट्रल एटम विल हैव द लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल व्हेन इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन आईपी का वैल्यू लोएस्ट कब होगा कॉन्फिगेशन को देख के अपन को बताना है देखो बच्चों अपन जानते हैं आईपी जो होती है लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती है तो लेफ्ट का एलिमेंट लो लोवेस्ट लेना है तो और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है तो बॉटम पे जाइए तो देखिए भैया है 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 और तो मुझे सबसे बेटर ये लग रहा है रीजन हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं अपन जिस इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं वो कहां से है थर्ड शेल से पहली बात तो इसमें ही अच्छी और उसके बाद और अच्छी बात यह है ये अलकाइली मेटल है बच्चों तो यूं जाने पे आप आईपी इंक्रीज करते हो एलकाइली में तो अपन कहें तो क्या होता है मिनिमम आईपी होती है तभी तो वो कैटाइन बना के और आ, उसको अगर कोई आ, पी ब्लॉक एलिमेंट मिलता है या ग्रुप का तो उनके साथ उनका आयोनिक मोलिक्यूल बनता है आईपी कम है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनकी एफिनिटी अच्छी है वो एक्सेप्ट करते हैं फिर आयन बन के बॉन्डिंग होती तो ये बताना है बच्चों आपको फिफ्टी फाइव के बाद देखिए फिफ्टी सिक्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन आर दिस क्लोरीन के लिए बताई ब्रोमीन के लिए बताई और आयोडीन के लिए बताई तो यहां पे द हायर वैल्यू ऑफ क्लोरीन एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। वैसे क्या होता है बच्चों जो एफिनिटी के वैल्यू है टॉप टू बॉटम क्या होने चाहिए डिक्रीज होने चाहिए पर यहां एक एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है फ्लोरिन की थ्री है और क्लोरिन के लिए थ्री अच्छा क्वेश्चन होता है फ्लोरिन से क्लोरीन या फिर अपन कहें तो ऑक्सीजन से सल्फर इन कुछ एलिमेंट में ऐसा रहता है जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है वो सेकंड वाले से भी अच्छी एफिनिटी शो करता है तो इसका लॉजिक उसने पूछा कि एफ और सी में ऐसा क्यों है तो सबसे पहले वीकर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन सी एल सी एल के अंदर अपन कहें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो कम होगा ठीक बात है बच्चों फ्लोरीन जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है लॉन्पेर उस पर भी वही होते हैं लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन को मेंटेन नहीं करने की वजह से उसका रिपल्शन एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है वहां एक इलेक्ट्रॉन नया जब आप ऐड करते हो एफ से आ, आप उसको क्योंकि आ, बात एफिनिटी की है तो आप उसे एन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑलरेडी उसके पास नाइन इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्शन एरिया ज़्यादा है रीज़न स्मॉल साइज की वजह से लेकिन सी में ऐसा नहीं सैल का साइज भी उतने उस रेस्पेक्ट में बड़ा है फिर हायर एटोमिक रेडियस ऑफ एफ गलत बात फ्लोरिन की रेडियस हाई थोड़ी होती वो तो क्लोरीन की होती स्मॉलर इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ऑफ एफ तो फ्लोरिन की इलेक्ट्रॉनगेटिविटी भी कहीं कम नहीं होती हायर होती है टेबल में ये भी गलत है मोर वैकेंट पी सब शेल इन क्लोरिन तो मोर वैकेंट पी सब शेल तो पी तो बच्चों यहाँ पे अपन कहें डी की बात करता तो अलग बाकी पी तो दोनों में सेम ही रहता है चाहे वो टू पी हो या थ्री पी हो तो वहाँ पे अपन कहें तो ये भी नहीं अपने पास पहला ऑप्शन ज्यादा बेटर है कि सीएल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है क्योंकि बिग साइज होता है इलेक्ट्रॉन वही होते हैं आउटर जोन में इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरिन के पास है वही क्लोरिन के पास तो ये रीजन बताओगे बेटा चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेन्जमेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड थे विद नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन एटोमिक स्पेसी देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला या तो डाटा के हिसाब से याद करें ये क्वेश्चन बार बार ए पी में आता भी है जैसे वो आपसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन या सल्फर का पूछ लेता है ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन या क्लोरीन का पूछ लेता है तो यहाँ पे बच्चों एक ट्रिक लगती है उल्टा एन उल्टा एन ऑक्सीजन से सल्फर अच्छा सल्फर से फ्लोरीन अच्छा फ्लोरीन से क्लोरीन अच्छा तो ट्रिक ही आप इसे कर सकते हैं डाटा अगर आपको याद नहीं करना है तो बिल्कुल यही पूछ रहा है वो आपसे नेक्स्ट देखिए इसके बाद और ये कई बार पहले भी आया क्वेश्चन 57 के बाद 58 ऑन पोलिंग स्केल ऑफ़ द फॉलोइंग डज़ नॉट इक्वल थ्री थ्री के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए थ्री से ग्रेटर भी नहीं होनी चाहिए तो बच्चों ऑक्सीजन तो छोड़ दो आंसर नहीं क्योंकि थ्री से ग्रेटर है इसकी नाइट्रोजन और क्लोरीन छोड़ दो क्योंकि इक्वल है थ्री का वैल्यू आता है इनका बट ब्रोमीन के लिए अपन कह सकते हैं ये कंडीशन बिल्कुल एप्लीकेबल है क्योंकि उसका ई का वैल्यू बिलो थ्री होता है ना तो ग्रेटर थ्री uh, और ना ही इक्वल थ्री तो यहाँ पे अपन ये दे सकते हैं बच्चों फोर फिर देखिए फिफ्टी एट के बाद फिफ्टी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रो एलिमेंट्स मैंने आपको पहले भी कहा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट जोन जो होता है मेटल का एस ब्लॉक वाला जो जोन है वो हायर पॉजिटिव है रीजन बिग साइज़ होता है बिग साइज़ में इजीली इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा बेटर रहता है एलकाइली मेटल में जैसे जैसे लेफ्ट से राइट right जाएंगे डी ब्लॉक तक जाएंगे ये डिक्रीज होगा या और आगे जाएंगे तो और भी डिक्रीज होगा तो उसने मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव पूछा है मतलब मेरे को कहाँ देखना चाहिए लेफ्ट वाले पोर्शन में तो देखो ये दिया हीलियम टू एस वन मतलब लिथियम की बात कर रहा है यहां अपन कहें जेनॉन जेनॉन ले लिया तो इसका मतलब आ, पहले फाइव पीरियड जो है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन और जेनॉन तो पहले पांच पीरियड तो आप छोड़ दो पांच के बाद छठे पीरियड का एलिमेंट बता रहा है तो मतलब सीजियम की बात हो रही है बेटा फिर यहां मैं कहूं तो ये बेरेलियम की बात हो रही है ये मैं अगर कहूं तो ये ये सीजियम था ये इसके बाद वाला बैरियम तो लेफ्ट से राइट तो जाना ही नहीं लेफ्ट से राइट तो क्या होता है साइज इंक्रीज आईपी डिक्रीज आईपी डिक्रीज होती है तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है तो यहां पर मैं इसको फाइनल करूं रीजन उसका क्योंकि लेफ्ट से राइट वाला केस है तो अपन राइट वाला क्यों अपने बस लेफ्ट वाला जब एलकाइली बेटल है तो एलकाइली अर्थ क्यों ले चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली भाई आपके पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ए का और बी का उसमें थ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड देखो थ्री इलेक्ट्रॉन आउटर स्फीयर में होना सिक्स होना तो ये अपनी आप में एक फैमिली की बात अपन कर ले नाइट जो अपने पास बोरोन फैमिली होती क्योंकि तो आउटर स्फीयर में वन इलेक्ट्रॉन एलकाइली मेटल टू इलेक्ट्रॉन एलकाइली अर्थ और थ्री में अपन कहें तो बोरोन फैमिली वाले एलिमेंट आते हैं और सिक्स वालों में अपन कहें तो अपन ले सकते हैं किसको ऑक्सीजन फैमिली वाले एलिमेंट तो अब इनका नेचर आपको समझ में आएगा इस तरह का एलिमेंट अगर है तो वो क्या बनना चाहेगा तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस थ्री बन जाना चाहेगा यानी ए कहूं तो ए का नेचर कैसा होगा ए प्लस थ्री बनना और वो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो बी जो है वो बी क्या बनना चाहेगा बी माइनस टू क्योंकि देखो जो जिसके नियरेस्ट है नियरेस्ट नोबेल गैस लगता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने से इजी रहेगा क्योंकि अगले के पास थ्री है तो एक्सेप्ट करे तो फाइव करे तो फाइव करना मुश्किल है तो थ्री लूज करके वो ऐसा कैटाइल बन जाएगा और इसके लिए ईजी है सिक्स लूज करना ईजी नहीं है टू एक्सेप्ट कर ले वो तो एफिनिटी उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है तो वो ऐसा बन जाएगा फिर इनका जब मोलिक्यूल बनता है बच्चों क्रॉस चार्ज लिखे जाते हैं ये यहां ये यहां तो लिखा जाएगा ए टू बी थ्री तो बच्चों आपके पास ऑप्शन ऐसा ए टू बी थ्री वाला ये रहा चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद फिर सिक्सटी वन द लोएस्ट रीजन ऑफ द एटमोस्फियर अब आ जाते हैं बच्चों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बातें करते हैं तो अपना जो एटमोस्फियर है उसके अंदर सबसे पहले अपन कहें तो क्या आएगा ट्रोपोस्फियर फिर स्ट्रेटोस्फियर शोभ मंडल समताप मंडल फिर उसके बाद अपन कहें तो आयियर आयनिक मंडल फिर एग्जोस्फियर आता है तो उसने सबसे लोएस्ट रीजन जो सबसे पास वाला है क्योंकि आप अगर एनसीआरटी पढ़ें तो उसके अंदर आपको दो टाइप के पोल्यूशन दे रखें ट्रोपोस्फेरिक और स्टेट्रोस्फेरिक तो पास वाले को क्या कहते हैं ट्रोपोस्फियर कहते हैं या अपन उसे शोभ भी कहते हैं चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए इसके बाद डिप्लेटेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉज। ओजोन लेयर के डिप्लेटेशन ओजोन की एक पूरी लेयर है हमारे एटमोसफियर में उससे आ, उसका जो डिप्लेटेशन है आजकल की जो करंट प्रॉब्लम चल रही है ओजोन होल हो रहा है फ्रियॉन्स के यूज की वजह से अदर पोल्यूशन की वजह से तो अगर, अगर अपन कहें तो उससे क्या जनरेट होगा ब्लड कैंसर लंग कैंसर ब्रेस्ट कैंसर या फिर स्किन कैंसर तो बच्चों स्किन कैंसर रीजन क्योंकि वो जो लेयर है बेटा वो अल्ट्रा वोलेट रेस जो हमारे लिए आ, हानिकारक हैं हमें नुकसान पहुंचाती हैं उनको फिल्टर करके अर्थ तक आने देती हैं बट अगर वो वो एरिया वैकेंट हो जाएगा होल बनने की वजह से वहां से वो रेडिएशन डायरेक्ट अपने आ, तक पहुंचती हैं डायरेक्ट अपने कॉन्टेक्ट में आती हैं तो स्किन कैंसर होने का या अपन कहें त्वचा कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है बच्चों ठीक है चलिए नेक्स्ट इसके बाद सिक्सटी एसिड रेन इज स्पेसिफाइड वेन पीएच देखो बच्चों क्या होता है जो रेन वाटर है रेन वाटर के अंदर जो पीएच वैल्यू कितना हो कि अपन उसे एसिड रेन माने एक्चुअल में क्या होता है सीओ टू एटमोस्फियर में है वाटर से मिलकर एस टू सीओ थ्री वो बनाता है और एस टू सीओ थ्री अगर रेन वाटर में रहेगा तो नॉर्मली उसका पी एच तो मेनटेन होगा लेकिन फाइव से बिलो चलने पर क्योंकि सल्फर uh, के या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करके एच एन ओ थ्री एस टू फोर बनेंगे और वो जब रेन वाटर में मिक्स हो जाएंगे तो वो एसिड रेन होगी लेकिन उसके लिए आपको एनसीआरटी में डाटा बिल्कुल दिया हुआ है कि क्या होगा बिलो 5.6 ये ये डाटा नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक फिगर ही याद करना है कि एसिड रेन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के लिए चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद सिक्सटी फोर बिसाइड सीओ टू अदर ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैसेज अपन को मालूम होनी चाहिए मैथेन ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर की वेपर है ओजोन है तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं तो सीओ टूस ने बता दी उसके रिमेनिंग पूछ रहा है तो भाई मैथिन बिल्कुल लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं ओजोन होता तो ले लेते तो आपके पास मैथिन का ऑप्शन पड़ा बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस है बच्चों ये नेक्स्ट देखिए सिक्सटी फोर के बाद सिक्सटी फाइव वीएबल पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग कौन सा सजीव कण है वीएबल बोले तो सब जो अलाइव है तो अलाइव की बात करूं फ्यूम स्मोक एलगी मिस्ट बायोलॉजी के हैं जानते हैं आप एलगी है फंगस है ये तो अलाइव होगा ही भैया प्लांट किंगडम से रिलेटेड है एलगी बोले तो वीएबल होता है अ, कहें तो अ, अलाइव होता है बाकी तो बात क्या है कोई फ्यूम्स की स्मोक की बात करें तो ये कोई लाइव अ, एक अलाइव स्पीसी थोड़ी ठीक है चलो नेक्स्ट कहें अपन

और ये बात कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो एक सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात आती है बच्चों तो वो सिनर्जिक बॉन्ड बनने की वजह से बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स अगर बॉडी में बन जाए कुछ टाइम तक ब्लड में मूव करता रहे तो ये मानिए डेथ हो जाती है बच्चों ठीक है ये पोल्यूशन में आप एनवायरमेंटल पढ़ते हो तो वहां पे ये बात बताई जाती है बाकी कोऑर्डिनेशन में बताते हैं सीओ के साथ मेटल का कौन सा बॉन्ड बनता है सिनर्जिक सीओ मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देता है हीमोग्लोबिन में जो आयरन है और फिर उससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है ठीक है तो इसलिए उसकी एफिनिटी काफी अच्छी होती है बच्चों सीओ के साथ चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद 66 के बाद 67 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग द क्लास ऑफ फ्रियोन फ्रियोन एक क्लास है बच्चों कहीं तो काम किस में आती है रेफ्रिजरेशन के परपस से कूलिंग के परपस से जो गैसेस यूज होती हैं वो फ्रियोन है एक्चुअल में होती क्या है या तो मेथेन या फिर एथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव इसमें आप हाइड्रोजन हटा दीजिए क्लोरीन या फ्लोरीन की एंट्री दीजिए ऐसे फ्रियोन बनेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्लोरो क्लोरो लिया फ्लोरो भी लेना था यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन ले लिया नहीं लेना था ये वाला ऑक्सीजन वाला तो ये बिल्कुल परफेक्ट मॉलिक्यूल आपके पास मैथिन था उसमें क्लोरो फ्लोरो दोनों एंटर कराए तो आप सीधा याद रखो मैथेन होगा एथेन होगा क्लोरो या फ्लोरो उसमें एज ए ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो इन्हीं को अपन फ्रेनोन कहते हैं चलिए सिक्सटी के बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट फॉर द एलिमेंट है 105, जो atomic number का एलिमेंट है उसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो बच्चों क्या है था पा यू नेपाल पुकारे जो ये सीरीज है एक्टेन सीरीज इसमें यूरेनियम अगर अपन ले लें 92 का जो ये एलिमेंट है यूरेनियम इसके बाद बाद वाले 92 के बाद जो आते हैं उनको एक तो अपन ट्रांस यूरेनिक कहते हैं दूसरा उसको अपन मैन में मैड एलिमेंट कैटेगरी का होता है और उस साथ में अपन कहें तो रेडियो एक्टिव भी होता है लेकिन एक्टेनॉयड अगर अपन कहें तो एक्टेनॉय तो बच्चों 90 से शुरू होते हैं और लास्ट 103 पे फिनिश होते हैं ठीक है तो आपको 105 जीरो फाइव कह रहा है तो वो एक्टेनोयड नहीं है तो ये आपका आंसर है एक्टेनॉइड नहीं ये स्टेटमेंट इसके लिए सही नहीं सिक्सटी में देखो बीओी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है आपके पास कोई एक सैंपल है वाटर का वहाँ उस सैंपल में वाटर के एक सैंपल में एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में जो ऑर्गेनिक uh, मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की वही है बीओडी तो देखो यहाँ पे उसने सारे ऑप्शन दिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द एन ओ इन टू एन ओ को एन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो बी में नहीं आएगा अमाउंट ऑफ फ्लोराइड आयन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ हाइड्रोक्सीड इन टू फ्लोर ये भी रूंग है बच्चों अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई बैक्टीरिया बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड है ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर बिल्कुल वाटर का एक सैंपल है उसके एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया उसके लिए आपको जो uh, ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं तो BOD पूछा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट बच्चों इन्फॉर्मेशन है हालांकि आपके पास इसका पूरा बेसिक है तो ये सीधा सीधा आपको करने वाला था बाकी सारे स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वो नहीं चलिए सेवेंटी विच डिस कैन नॉट बी यूज इन ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी के लिए बच्चों अपन के का ब्लीचिंग पाउडर का इन सब का क्लोरीन का यूज करते हैं लेकिन फिनॉल का नहीं भाई फिनॉल कोरोजिव होता है फिनॉल अपन कहें तो मिक्स वाटर में मिक्स नहीं किया जा सकता ड्रिंकिंग वाटर में ठीक है चलिए सेवेंटी के बाद सेवेंटी वन नोबेल प्राइज ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज नॉट एसोसिएटेड विद देखो बच्चों आजकल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ऐसे मोलिक्यूल्स की जो प्रोडक्शन है उनको मोटिव उनके लिए अपन कहें तो काम किया जा रहा है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं एनवायरमेंट के लिए अच्छे हैं पोल्यूशन के लिए अपन कहें पोल्यूशन कम करें तो ये नई ब्रांच है ग्रीन केमिस्ट्री तो इसमें तीन लोगों को एक साथ अपन कहें तो उनके कंबाइंड वर्क के लिए नोबेल प्राइज दिया गया जिसमें रिचार्ड एस श्रॉक भी है चाउविन भी है ग्रुप्स भी है पर विलियमसन नाम नहीं आएगा बच्चों विलियमसन नहीं है इसमें नेक्स्ट देखिए इसके बाद फिर सेवनटी के बाद सेवनटी एसिड रैन इज हार्मुल फॉर एसिड रैन अमल वर्षा जो होती है वो किसके लिए हार्मफुल है एग्रीकल्चर के लिए, लिए बिल्कुल जब रेन वाटर में एसिड हो तो भैया नो डाउट प्लांट को तो अफेक्ट करेगा ही एक्वेटिक इको भाई वो रेन वाटर जब वो बारिश होनी है तो कहीं ना कहीं उसका वाटर जो है वो कहाँ मिक्स होना है जो अपने अर्थ पे वाटर के जो भी सोर्स हैं जो भी इकोसिस्टम बने हुए हैं बेटा जी उसमें बहुत सारे अलाइव हैं बहुत सारे जीव उसमें हैं तो उनके लिए अपन कहें तो वो भी हार्मफुल है बिल्डिंग मेड ऑफ मार्बल और मेटल तो मार्बल से बनी हुई मेटल से बनी हुई जो बिल्डिंग है उसको भी अफेक्ट करता है बिल्कुल सबको अफेक्ट करती है एसिड रैन ठीक है ताजमहल की बात आती है आजकल उतना अच्छा नहीं रह रहा रीजन उसका एसिड रैन क्योंकि वहां पे काफ़ी इंडस्ट्री है बच्चों आगरा में नाइट्रोजन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन इट प्रेसिडिंग एलिमेंट मतलब नाइट्रोजन जो है उसके लिए लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है नाइट्रोजन की उससे जस्ट प्रीवियस एलिमेंट से भी कम होती है. मतलब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल आइटम में ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है पर नाइट्रोजन के लिए वो वैल्यू पॉजिटिव में आता है नोबेल गैस के लिए भी आता है पर नाइट्रोजन के लिए भी आता है रीजन उसका क्या कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिक्रीज अलोंग द पीरियड पीरियड के अंदर अपन चले तो डिक्रीज होती है नो इंक्रीज होती है बेटा फिर कहीं इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी जनरली इंक्रीज़ अलोंग ए पीरियड बिल्कुल इंक्रीज होने का तो रहता है लेकिन इंक्रीज होती है तो फिर प्रीवियस एलिमेंट कार्बन से नाइट्रोजन की डिक्रीज कैसे हो सकती है फिर वो लॉजिक तो नहीं बना ना नाइट्रोजन एटम हैज हाफ फिल्ड प्योर बटाल ये बिल्कुल उसका परफेक्ट लॉजिक नोबेल गैस में एफिनिटी पॉजिटिव uh, क्यों आती एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है एग्जो क्यों नहीं होता क्योंकि स्टेबल कॉन्फिगेशन वैसे ही नाइट्रोजन का भी स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फिगेशन होता है तो ये इसका लॉजिक रहेगा बच्चों नाइट्रोजन इज ए ब्लॉक एलिमेंट इससे क्या फर्क पड़ता है पी ब्लॉक एलिमेंट अदर भी है चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद

मतलब टेन और टू ट्वेल्व ट्वेल्व मतलब मैग्नीशियम की बात बिल्कुल अच्छी मेटल है बच्चों अर्थ और ऑप्शन देख लेते हैं टू एट टेन और फौर फौर्टीन। फौर्टीन में आएगा नहीं इसे भी नहीं लेंगे अपन क्योंकि आप पी ब्लॉक में एंटर कर गए हैं और टू अपने पास जब मैग्नीशियम है तो फिर अपन सिलिकन पे क्यों जाए तो यहां टू एट एट तो यहाँ पे अपन कहें तो एटीन वाला आर्गन है तो ये भी नहीं लेना तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या रहा ये वाला रहा चलिए नेक्स्ट सेवेंटी फोर हो गया 74 फोर के बाद देखिए सेवेंटी फाइव लास्ट क्वेश्चन लार्जेस्ट ग्रुप इन दिरोडिक टेबल तो देखो बच्चों पिरोडिक टेबल में लार्जेस्ट ग्रुप की बात करूं मैं अगर तो एल्काइली फर्स्ट ए मतलब एल्काइली uh, मेटल नहीं ले सकते जीरो uh, ग्रुप या अपन कहें फिफ्थ ये भी नहीं यहां अपन थर्ड बी को लेते हैं थर्ड या थर्ड बी कौन सा होता है बच्चों ये ये जो ग्रुप है बच्चों डी ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप आता है स्केंडियम वाली जो फैमिली बनती है इसमें बच्चों दिखने में तो ऐसा लगता है कि फोर एलिमेंट पर एटोमिक नंबर के हिसाब से देखते हो बच्चों तो यहाँ लेंथेनम के बाद वाले सारे फोर्टीन लेंथेनोइड इसी ग्रुप से बिलोंगिंग है एक्टेनॉयड से बाद वाले एक्टेनॉड uh, के एक्टिनियम के बाद वाले जो एक्टेनॉयड हैं वो भी सारे इसमें हैं मतलब फोर प्लस ट्वेंटी एट इतने एलिमेंट इससे बिलोंगिंग है क्योंकि ये जो ग्रुप है वो एफ ब्लॉक का ग्रुप है अगर आपसे ये भी कह दिया जाए एफ ब्लॉक के लिए बिलोंगिंग ग्रुप बताइए क्योंकि वैसे तो आपको सीधा डायरेक्ट दिखाई देता है बॉटम पे रखा हुआ है लेकिन वो अनमैनेज नहीं हो पीरियोडिक टेबल इसलिए उसको अपन नीचे शो कर देते हैं पर उसका ग्रुप अगर आप शो करना चाहो उनका सही एड्रेस शो करना चाहो तो लेंथेनम से जस्ट आगे फोर्टीन एलिमेंट की सीरीज चलती है लेंथेनॉड और इसके बाद एक्टेनॉइड तो वो सब के सब इसी में आते हैं तो थर्टी टू एलिमेंट का अपने पास कोई अदर ग्रुप नहीं होता तो अपन कहें तो लार्जेस्ट होता है वो ठीक है बच्चों तो आपको बातें क्लियर हुई होंगी बिल्कुल आपका पेपर वैसे भी अच्छा गया होगा तो थैंक्स अलॉट बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में